नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का वक्त, 100 बात की 1 बात का। 100 बात की 1 बात में आज ईरान की फौज के जनरल है कासिम सुलेमानी की 4थी बरसी के दिन उनकी कब्र के पास हुए धमाकों में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। झारखंड में सरकार चला रहे गठबंधन के विधायकों की बैठक के बाद फैसला लिया गया कि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री के पद पर बने रहेंगे। ईडी के समन्स के बावजूद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जांच में शामिल होने नहीं पहुंचे, जिस पर बीजेपी ने उन्हें घेर लिया। और कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया उस वक्त बीजेपी के निशाने पर आ गए जब वो एक वीडियो में एक मंदिर में घुसने से इनकार करते दिखे। बड़ी खबर आई ईरान से, वहां पूर्व जनरल कासिम सुलेमानी की 4थी बरसी के मौके पर बहुत बड़ा हमला हो गया। ईरान के मीडिया के मुताबिक कासिम सुलेमानी की कब्र के पास 2 बड़े धमाके हुए और उन धमाकों में 100 से ज्यादा लोगों की मौत होने की खबर है, जबकि 140 से ज्यादा लोग घायल हो गए। ठीक 4 साल पहले 3 जनवरी 2020 को इराक की राजधानी बगदाद में अमेरिका ने एक हवाई हमला कर कासिम सुलेमानी को मौत के घाट उतार दिया था। तब से हर साल 3 जनवरी के दिन कासिम सुलेमानी की कब्र के पास हजारों लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचते हैं और ईरान की मीडिया के मुताबिक हजारों की संख्या में लोग उनकी 4थी बरसी के मौके पर उनकी कब्र के पास इकट्ठा हुए थे। लेकिन खबरों के मुताबिक इसी दौरान वहां 2 बड़े धमाके हो गए जिनमें 73 लोगों की मौत की खबर सामने आई, जबकि 120 से ज्यादा लोग घायल बताए गए। और धमाकों के बाद दक्षिणी ईरान के करमान शहर का एक वीडियो सामने आया जिसमें वहां चारों तरफ अफरा तफरी मची दिखी। वीडियो में दिखाई दिया कि धमाकों के बाद लोग वहां इधर उधर भागने लगे और चीख पुकार मच गई। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या। कासिम सुलेमानी की 4थी बरसी के मौके पर ज्यादातर लोग काले कपड़े पहनकर उनकी कब्र के पास इकट्ठा हुए थे, लेकिन एक के बाद एक 2 धमाकों के बाद उनकी कब्र की तरफ जाने वाली सड़क पर भगदड़ जैसे हालात बन गए। जहां तक नजर जा रही थी लोगों की भीड़ ही नजर आ रही थी। इसी दौरान भीड़ के बीच से सायरन बजाते हुए कई एम्बुलेंस गुजरती दिखाई दी। ईरान की मीडिया के मुताबिक विस्फोट में घायल लोगों को इन्हीं एम्बुलेंस में रखकर तुरंत अस्पताल भेज दिया गया, जबकि वहां मौजूद कुछ लोग भीड़ में लोगों से पूरा इलाका खाली करने का इशारा करते दिखे। लेकिन ईरान में कासिम सुलेमानी की 4थी बरसी के दिन हुए हमले की खबर मिलते ही पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। हालांकि ये साफ नहीं हो सका कि कासिम सुलेमानी की कब्र के पास धमाका कैसे हुआ। लेकिन ईरान के मीडिया में इस बात की आशंका जताई जाने लगी कि करमान में धमाकों के लिए ताकतवर ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था। खबरों के मुताबिक कासिम सुलेमानी की कब्र के पास हुए 2 धमाकों ने अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव की आग में घी का काम किया, क्योंकि कासिम सुलेमानी को अमेरिका ने ही 3 जनवरी 2020 को एक ड्रोन हमले में मार गिराया था। वो ईरान की सेना की ब्रांच IRGC यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर के प्रमुख थे। मौत के बाद दक्षिणी ईरान के करमान शहर में उन्हें दफनाया गया था। और 2020 में उनकी मौत के बाद ईरान और अमेरिका के बीच जंग की तलवार खिंच गई थी और समंदर में कई दिनों तक दोनों दुश्मन एक दूसरे के जहाजों को निशाना बनाते रहे। हालांकि उस वक्त दोनों ने कदम पीछे खींच लिए थे, लेकिन कासिम सुलेमानी की 4थी बरसी पर धमाकों के बाद दोनों दुश्मनों के बीच सीधी जंग की आशंका बढ़ गई, क्योंकि रूस और यूक्रेन युद्ध और इसराइल के साथ हमास की जंग की वजह से पहले ही दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर है। रूस को ड्रोन सप्लाई करने और इसराइल के दुश्मनों को हथियार और पैसा मुहैया कराने के आरोप ईरान पर लगते रहे। ऐसे में अगर ईरान ने अपने दुश्मनों के खिलाफ बदले का कदम उठाया तो इसराइल और यूक्रेन का समर्थन कर रहे पश्चिमी देश भी पलटवार में देर नहीं करेंगे। और अगर ऐसा हुआ तो तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो सकता है, क्योंकि रूस यूक्रेन और हमास इसराइल जंग की वजह से पहले ही दुनिया 2 खेमों में बटी हुई है। और जंग की एक और चिंगारी पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की आग में झोंक देगी, क्योंकि खबरों के मुताबिक अगर ईरान ने अमेरिका या पश्चिमी देशों के खिलाफ किसी भी तरह का मिलिट्री एक्शन शुरू किया तो इसराइल समेत पश्चिमी देश ईरान पर टूट पड़ेंगे। लेकिन ईरान से टक्कर लेना अमेरिका या पश्चिमी देशों के लिए इतना भी आसान नहीं रहने वाला, क्योंकि ईरान को दुनिया भर के मुस्लिम देशों का साथ मिल सकता है। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि उसने हमास इसराइल जंग में मुस्लिम देशों का अगुवा बनने की कोशिश की थी और इसराइल के खिलाफ सभी को एकजुट होने की अपील की थी। यानी जंग छिड़ी तो उसका दायरा दुनिया के कोने कोने तक पहुंचेगा। उधर बड़ी खबर आई मध्य प्रदेश से, वहां ड्राइवर पर भड़कने वाले शाजापुर के कलेक्टर पर मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ी कार्रवाई की। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शाजापुर के कलेक्टर किशोर कन्याल को हटा दिया। शाजापुर के कलेक्टर ने जिले के ड्राइवरों की एक बैठक बुलाई थी और आरोप है कि उस बैठक में उन्होंने एक ड्राइवर से
अभद्र भाषा में बात की। बाद में इस बातचीत का एक वीडियो भी वायरल हो गया और यह पूरा मामला मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव तक पहुंच गया। उन्होंने इस मामले पर ताबड़तोड़ एक्शन लिया और राज्य के शाजापुर जिले के कलेक्टर किशोर कन्याल को हटा दिया। शाजापुर के कलेक्टर किशोर कन्याल ने एक दिन पहले जिले के ड्राइवरों की एक बैठक बुलाई थी और उसी बैठक में शाजापुर के कलेक्टर किशोर कन्याल की एक ड्राइवर से बहस हो गई थी। इस बहस का वीडियो भी वायरल हो गया और वीडियो में शाजापुर के कलेक्टर एक ड्राइवर पर बुरी तरह भड़कते नजर आए। उनका पारा इतना चढ़ा कि उन्होंने उस ड्राइवर से उसकी औकात पूछ डाली। क्या करोगे तुम? क्या औकात है तुम्हारी? इस बैठक में कई ड्राइवर मौजूद थे। शाजापुर के कलेक्टर के बगल में पुलिस अधिकारी भी बैठे थे। एक दूसरा अधिकारी तो लगातार उनसे बात भी कर रहा था। इन सब के बीच किशोर कन्याल कड़े शब्दों में ड्राइवरों को समझा रहे थे, लेकिन तभी एक ड्राइवर ने बीच में ही उन्हें टोक दिया। फिर क्या था, बात का बतंगड़ बन गया। ड्राइवर के टोकते ही कलेक्टर किशोर कन्याल का पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया और बैठक में मौजूद सभी लोगों का ध्यान कलेक्टर को टोकने वाले ड्राइवर पर चला गया। इस बहस का वीडियो बनाने वाले ने भी कैमरा उस ड्राइवर की ओर घुमा दिया, क्योंकि जैसे ही कलेक्टर उस पर भड़के वो घबरा गया। कलेक्टर उसे उंगली दिखा दिखा कर डांट रहे थे और वो हाथ जोड़कर खड़ा था, लेकिन कलेक्टर का गुस्सा कम नहीं हुआ। ये देखकर वो इतना घबरा गया कि हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। बहस के बीच एक पुलिस वाला आगे आया और ड्राइवर को समझा बुझाकर अपनी सीट पर बिठाने लगा। एक तरफ पुलिस वाला ड्राइवर को बिठाने की कोशिश कर रहा था, दूसरी ओर किशोर कन्याल लगातार बोलते जा रहे थे। ड्राइवर भी डरते डरते ही सही, लेकिन उनको जवाब दे रहा था। ये सारी बहस इसलिए हुई क्योंकि शाजापुर के कलेक्टर ने गुस्से में आकर एक ड्राइवर से उसकी औकात पूछ ली और देखते ही देखते पूरी बैठक का माहौल ही खराब हो गया। हिट एंड रन कानून के खिलाफ मध्य प्रदेश समेत देश के कई हिस्सों के ट्रक ड्राइवरों ने प्रदर्शन किया था। इसी दौरान शाजापुर में भी ड्राइवरों ने प्रदर्शन किया था और प्रदर्शन को उग्र होने से रोकने के लिए शाजापुर कलेक्टर ने यह बैठक बुलाई थी, लेकिन उनके एक ड्राइवर से उसकी औकात पूछने पर पूरी बैठक का माहौल ही बिगड़ गया। क्या करोगे तुम? कलेक्टर किशोर कन्याल की बातें सुनकर भड़के ड्राइवर को उसकी सीट पर बिठाने में पुलिस वाले को खूब मेहनत करनी पड़ी। वो बार बार औकात वाली बात पर आपत्ति जताता रहा। यही तो चीज है सर, यही लड़ाई हमारी कोई नहीं, लड़ाई। इसी बीच इस सारी बहस का वहां मौजूद दूसरे लोगों ने वीडियो बना लिया, लेकिन ना ड्राइवर चुप हो रहा था और ना ही कलेक्टर किशोर कन्याल। पुलिस वाला भी बहस रोकते रोकते थक गया। इसके बाद आसपास मौजूद लोगों ने भी बोलना बंद कर दिया और एक वक्त ऐसा आया जब केवल कलेक्टर और ड्राइवर की बहस हो रही थी और बैठक में मौजूद बाकी लोग हाथ पर हाथ रखकर ये सारा तमाशा देख रहे थे। यही नहीं, कलेक्टर की बात सुनकर बहस करने वाले ड्राइवर ने वहां मौजूद दूसरे ड्राइवरों से समर्थन भी मांगा। वीडियो में दिखाया कि बहस के दौरान ड्राइवर के नजदीक खड़ा एक शख्स लगातार उसका वीडियो बनाता रहा, जबकि एक दूसरे ड्राइवर ने पुलिस वाले की मदद करते हुए उस ड्राइवर को बिठाने की कोशिश की। और थोड़ी देर बाद कलेक्टर के तेवर भी नरम पड़ गए। वो अपनी बात का मतलब समझाने लगे, लेकिन इस बीच वहां जो कुछ हुआ उसका पूरा वीडियो बन चुका था और ये वीडियो वायरल भी हो गया। वीडियो के आखिरी हिस्से में कलेक्टर के नर्म हुए तेवर भी दिखे। बहस करने वाला ड्राइवर भी आखिरकार अपनी सीट पर बैठ ही गया। कलेक्टर ने भले ही बाद में बात संभालने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले बोली गई उनकी बातें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को पसंद नहीं आई। ड्राइवर से अभद्र भाषा में बात करने की वजह से शाजापुर जिले के कलेक्टर किशोर कन्याल को हटा दिया गया। ये भाषा है, कम से कम हमारी सरकार में बर्दाश्त नहीं। दोबारा जो अधिकारी आएगा वो इस प्रकार की भाषा का और व्यवहार का ध्यान रखेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस घटना पर एक्शन लेते हुए नरसिंहपुर जिले के कलेक्टर को शाजापुर का कलेक्टर बना दिया और किशोर कन्याल को उनकी भाषा की वजह से हटा दिया गया। उधर एमपी के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के बंगले का नाम बदल गया। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में अपने सरकारी बंगले का नाम बदलकर मामा घर रख लिया। उन्होंने ट्वीट कर खुद इस बात की जानकारी दी। ज्ञानवापी मामले में एएसआई ने वाराणसी जिला कोर्ट में याचिका दाखिल कर सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक न करने की अपील की। एएसआई ने अदालत से 4 हफ्ते का वक्त मांगा।
भारतीय कुश्ती संघ को लेकर चल रहे विवाद के बीच कई युवा पहलवानों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। उन्होंने पहलवान साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया पर कुश्ती के खेल को बर्बाद करने का आरोप लगाते हुए उनका विरोध किया। न्याय करने के लिए पूरा फेडरेशन रद्द करवाए, बोले फिर से चुनाव करवाओ। उधर मुंबई के नजदीक मीरा रोड से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। उस वीडियो में डांस बार खुलवाने के मुद्दे पर दो गुटों के बीच जमकर मारपीट होती दिखाई दी। घटना दो दिन पहले यानी 1 जनवरी की है, जिसका वीडियो अब सामने आया। और उस वीडियो में कुछ लोग एक लड़के को सड़क पर बुरी तरह मारते नजर आए। कोई उस पर डंडे बरसाता रहा तो कोई उसे बेल्ट से मारता दिखा। देखकर ऐसा लगा जैसे उन लोगों पर कोई भूत चढ़ गया हो और वो लोग उसे जान से मारकर ही दम लेंगे। इस दौरान वहां कुछ लोग भी नजर आए जो मारपीट कर रहे लोगों को रोकने की कोशिश करते रहे, लेकिन इसके बाद भी उन लोगों पर इसका असर नहीं हुआ। वो लगातार उसे पीटते रहे। बाद में मारपीट कर रहे उन लोगों ने उस लड़के को सड़क पर गिरा दिया। इसके बाद वो लोग उसे चारों तरफ से घेर कर मारने लगे। एक आदमी उसे पागलों की तरह डंडे से पीटने लगा, जबकि दूसरा उस पर ताबड़तोड़ बेल्ट चलाने लगा। वहां मौजूद एक आदमी ने जब उस लड़के को बचाने की कोशिश की तो मारपीट कर रहे लोगों ने उस आदमी को धकेल कर दूर कर दिया। और ये पूरा बवाल तब हुआ जब 1 जनवरी की शाम को कुछ लड़के एक होटल में खाना खाने पहुंचे थे। उसी होटल के ऊपर एक डांस बार भी था जो बंद था। इसका पता चलते ही वो लड़के डांस बार खुलवाने की जिद पर अड़ गए और इसी बात पर होटल के कर्मचारियों और उन लड़कों के बीच मारपीट शुरू हो गई। आरोप है कि वो लड़के किसी भी सूरत में डांस बार खुलवाने की जिद पर अड़े थे और जब वो नहीं माने तो होटल के कर्मचारी उन पर टूट पड़े। इसी घटना का एक दूसरा वीडियो भी सामने आया। उसमें होटल के कर्मचारी सड़क पर एक लड़के को डंडे से दौड़ा दौड़ा कर मारते नजर आए। इस दौरान मारपीट करने वाला एक आदमी वहीं खड़ी एक महिला से बहस करता रहा। तभी एक लड़का वहां दौड़ता हुआ पहुंचा और वो उससे उलझ गया। दोनों के बीच मारपीट शुरू हो गई। वो दोनों एक दूसरे पर दनादन डंडे चलाने लगे। इसी बीच वहां कई और लोग डंडे लेकर पहुंच गए और उस लड़के पर डंडों की बारिश कर दी। हालांकि जान बचाने के लिए वो लड़का वहां से भाग खड़ा हुआ, लेकिन इस घटना की वजह से वहां काफी देर तक अफरा तफरी मची रही। इधर बिहार के कटिहार में एक नेता की हत्या के बाद लोगों का गुस्सा भड़क गया। नाराज लोगों ने सड़क जाम कर दी और जमकर बवाल किया। हत्या के बाद गुस्साए लोगों ने जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की और सड़क पर कई जगह टायर जलाकर हंगामा किया। फलका बाजार इलाके में लोगों के बवाल का जो वीडियो सामने आया उसमें आगजनी के बीच वहां चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल दिखा। सड़क पर धू धू कर जलते टायरों से काला धुआं निकल रहा था और वो पूरे इलाके में फैल गया था। वीडियो में वहां मौजूद पुलिसकर्मी हंगामा और प्रदर्शन कर रहे लोगों को भगाते दिखे। इस दौरान चौराहे के पास एक दुकान के सामने खड़े कुछ लोगों को पुलिस वालों ने दौड़ा दिया और लाठीचार्ज कर दिया। इसके बाद प्रदर्शनकारी तितर बितर हो गए और चौराहे के दूसरी तरफ भागने लगे। वहीं एक दूसरे वीडियो में एक पुलिस अफसर नाराज लोगों को समझाता हुआ दिखाई दिया। हालांकि इसके बाद भी लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ और नाराज लोग काफी देर तक सड़क पर हंगामा करते रहे, क्योंकि बेखौफ बदमाशों ने कंचन मंडल नाम के एक नेता की आंख में गोली मार दी थी। कंचन मंडल फलका ब्लॉक की प्रमुख दीपशिखा देवी के पति थे। हमलावरों ने कंचन मंडल के साथ ही उनके एक और साथी पर भी गोलियां बरसा दी थी। लेकिन हत्या की ये वारदात वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। 37 सेकंड के वीडियो में दिखा कि कंचन मंडल अपने एक साथी के साथ अपनी दुकान के बाहर बैठे हुए थे। इसी दौरान सड़क के दूसरी तरफ से 3 लोग आते दिखाई दिए। उनमें एक शख्स थोड़ा पहले ही उनकी कुर्सी तक पहुंच गया, जबकि उसके 2 साथी पीछे से आते दिखे। वहां पहुंचते ही तीनों ने पिस्तौल से फायरिंग शुरू कर दी। गोली लगने से कंचन मंडल का साथी जमीन पर गिर गया, जबकि दूसरे बदमाश ने कंचन मंडल की आंखों को निशाना बनाकर सीधे गोली मार दी। हत्याकांड को अंजाम देने के बाद तीनों बदमाश उसी तरफ भागते दिखे जिधर से वो आए थे। पुलिस के मुताबिक गोली लगने से कंचन मंडल की मौत हो गई, जबकि गोली लगने से घायल उनके साथी को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। इस बीच उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। उस वीडियो में वहां बन रही 1-2 मंजिला इमारत अचानक ढहती दिखाई दी। गनीमत यह रही कि इस हादसे में किसी को कोई चोट नहीं पहुंची, लेकिन इसकी वजह से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया, क्योंकि चंद सेकंड के अंदर वो 2 मंजिला इमारत ताश के पत्तों की तरह भर भरा कर गिर गई। इमारत के गिरने की वजह से उस पूरे इलाके में धूल का गुबार छा गया।
वहां कई लोग धूल से खुद को बचाने की कोशिश करते भी दिखे। थोड़ी देर बाद जब धूल हटी तो पूरी सड़क इमारत के मलबे से पटी नजर आई। हर तरफ सिर्फ ईंट और पत्थर ही पड़े दिखाई दिए। दो मंजिला निर्माणाधीन इमारत गिरने की यह घटना लखनऊ के आर्य नगर इलाके की है। बताया गया कि दरार पड़ने की वजह से वो इमारत अचानक एक तरफ झुकने लगी। इसका पता चलते ही लोगों ने फौरन पुलिस को इसकी सूचना दी। इसके बाद पुलिस ने इमारत में काम करने वाले लोगों को वक्त रहते बाहर निकाल लिया और फिर थोड़ी ही देर बाद वो इमारत ढह गई। बिल्डिंग के गिरने से वहां अफरा तफरी मच गई। खबर इस हादसे के बाद पुलिस ने इमारत बनाने वाले ठेकेदार को हिरासत में ले लिया। इधर दिल्ली के नजदीक हरियाणा के गुरुग्राम में एक तेंदुए के पहुंचने से लोग दहशत में आ गए। वहां के नरसिंहपुर इलाके में उस तेंदुए को टहलते देख लोग खौफ से भर गए, क्योंकि वो तेंदुआ वहां मौजूद एक घर में घुस गया। इसका जो वीडियो सामने आया उसमें वो तेंदुआ उस घर के एक हिस्से से तेजी से भागता हुआ आता दिखाई दिया। वो तेंदुआ उस घर के दूसरे हिस्से में मौजूद एक कमरे में घुसने के लिए तेजी से भागता हुआ गया, लेकिन उस कमरे का दरवाजा बंद था और इसीलिए जैसे ही उसने उस कमरे में घुसने के लिए छलांग मारी वो उस कमरे के दरवाजे से टकरा गया। इसे देखकर उस कमरे में मौजूद लोग बुरी तरह डर गए। इसके बाद वो उस कमरे के सामने मौजूद सीढ़ियों पर तेजी से भागता हुआ ऊपर की तरफ चला गया और पलक झपकते ही वो वहां से गायब हो गया। लेकिन नरसिंहपुर के रिहायशी इलाके में उस तेंदुए के आने से वहां हड़कंप मच गया, क्योंकि वो तेंदुआ तेजी से भागता हुआ वहां के घर से दूसरे घर में छलांग मार रहा था और उसकी वजह से वहां रहने वाले लोग दहशत में आ गए। वहां से जो वीडियो सामने आया उसमें वो तेंदुआ रिहायशी इलाके में इधर उधर घूमता नजर आया। उसे देखकर लोग शोर मचाने लगे। वहां से आए एक और वीडियो में वो तेंदुआ एक घर से दूसरे घर में छलांग लगाता दिखाई दिया। उसने उस घर की दीवार को फांदा और वहां लगे एक बड़े से पेड़ से टकरा कर दूसरे घर में पहुंच गया। उसको इधर से उधर घूमते हुए देख वहां रहने वाले लोग अपने घरों की छत पर चढ़ गए और उस तेंदुए पर नजर रखने लगे। वहां से आई एक तस्वीर में एक घर के बाहर लोगों की भीड़ नजर आई और वो लोग उस घर से उस तेंदुए के निकलने का इंतजार कर रहे थे। इस दौरान छत पर खड़े लोग उस पर नजर बनाए हुए थे। ऐसे में जैसे ही उन्होंने उसको वहां से निकलते देखा उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया और शोर को सुनकर वहां खड़े लोग पीछे हट गए, लेकिन उस तेंदुए ने उन्हें चकमा दे दिया और वो उस घर से बाहर ही नहीं आया। और इसके बाद उस इलाके में रहने वाले लोगों की सांसें अटक गईं, क्योंकि वन विभाग और पुलिस की तमाम कोशिश के बाद भी वो तेंदुआ उनके हाथ नहीं आ रहा था और वो लगातार एक घर से दूसरे घर में छलांग मार रहा था। ऐसे में उस तेंदुए को पकड़ने के लिए दो लोगों ने मिलकर एक घर की छत से जाल लटकाया। इसका जो वीडियो सामने आया उसमें वो लोग जाल लटकाकर उसका इंतजार करते दिखाई दिए। थोड़ी देर बाद वो बाहर आया, लेकिन उस जाल को देखकर वो वापस उस घर के अंदर चला गया। उसके बाद वो दोनों काफी देर तक उसके इंतजार में वहीं खड़े रहे, लेकिन वो तेंदुआ वहां नहीं आया। ऐसे में वो दोनों उस जाल को वहीं छोड़कर वहां से चले गए। बताया गया कि वहां रहने वाले लोगों ने सुबह 6 बजे उस तेंदुए को पहली बार देखा था। उसके बाद गुरुग्राम पुलिस और वन विभाग को इसकी जानकारी दी गई, लेकिन तमाम कोशिश के बाद भी वो किसी के हाथ नहीं आया। उधर पंजाब के खन्ना से एक खौफनाक वीडियो सामने आया। उस वीडियो में एक फ्लाईओवर पर तेल से भरा एक टैंकर पलटने से भीषण आग लगती दिखाई दी और थोड़ी देर में वो आग पूरे फ्लाईओवर पर फैल गई। इसका जो वीडियो सामने आया उसमें तेल से भरा वो टैंकर उस फ्लाईओवर पर पलटा नजर आया और उसके आसपास लोगों की भीड़ लगी दिखाई दी। उस टैंकर के पलटने की वजह से उसके चारों तरफ तेल फैल गया। इस दौरान उसके पास से लगातार गाड़ियां गुजरती रहीं और तभी अचानक वही हुआ जिसका डर था। वहां फैले तेल ने अचानक आग पकड़ ली और इसके बाद तो जैसे वहां हाहाकार मच गया। पेट्रोल फैला होने की वजह से पूरा फ्लाईओवर धधकने लगा, उसकी वजह से वहां अफरा तफरी मच गई। जान बचाने के लिए लोग इधर उधर भागने लगे। वो आग इतनी भयंकर थी कि उस फ्लाईओवर के नीचे खड़े लोग भी दहशत में आ गए। आग इतनी भीषण थी कि उससे निकलने वाला धुआं कई किलोमीटर दूर से ही दिखाई दे रहा था। हालांकि इस घटना के बाद फायर ब्रिगेड की टीम वहां पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। उधर हेमंत सोरेन अभी झारखंड के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। सूत्रों के हवाले से खबर है कि झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे। रांची में सत्ताधारी गठबंधन की अहम बैठक के बाद विधायकों ने नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों को खारिज कर दिया। इससे पहले खबर सामने आई थी कि ईडी जांच की वजह से हेमंत सोरेन इस्तीफा देंगे और उनकी जगह उनकी पत्नी कल्पना सोरेन को ये जिम्मेदारी दी जाएगी। हेमंत जी आज भी मुख्यमंत्री हैं, आगे भी मुख्यमंत्री रहेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री शशि पांजा ने दो टूक कह दिया कि नागरिकता संशोधन कानून बंगाल में लागू नहीं होगा। उन्होंने इस कानून को चुनावी हथकंडा बताया। CAA बंगाल में नहीं लागू होगा।
बिहार की राजधानी पटना में एक दारोगा ने खुद को गोली मार ली। इसके बाद उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। खबर है कि हाल ही में उन्हें एक केस में नामजद किया गया था। ये जानकारी मिली कि ये पिछले 10-15 दिनों से तनावग्रस्त रह रहे हैं। उधर मध्य प्रदेश के बुधनी पहुंचे शिवराज सिंह चौहान का वनवास वाला बयान चर्चा में आ गया। उन्होंने ये बयान अपने विधानसभा क्षेत्र में दिया। शिवराज मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के बुधनी से विधायक हैं और वो वहां एक सभा को संबोधित करने पहुंचे, लेकिन सभा में बोलने से पहले वहां मौजूद लोगों ने उन्हें घेर लिया। ये महिलाएं शिवराज से लिपट कर फूट फूट कर रोने लगी। इन महिलाओं को देखकर शिवराज भी भावुक हो गए। वो उन्हें समझाने लगे और महिलाओं के सिर पर हाथ रखकर उन्हें सांत्वना दी। शिवराज के समझाने पर भी इन महिलाओं के आंसू नहीं रुके, वो रोती रही और लोगों से घिरे शिवराज उन्हें समझाते रहे। आसपास मौजूद लोग शिवराज की तस्वीर भी खींचते रहे और इन सबके बीच शिवराज से मिलने वालों की भीड़ इकट्ठा होती रही। इन लोगों में महिलाओं की अच्छी खासी संख्या थी। शिवराज के मुख्यमंत्री नहीं बनने से उनके समर्थक पहले भी अपनी निराशा दिखा चुके हैं और उनके बुधनी पहुंचने के बाद एक बार फिर वैसी ही तस्वीरें आईं। मालाओं से लदे शिवराज को गुलदस्ता देने पहुंची महिलाएं उन्हें देखते ही रो पड़ी। वो बार बार शिवराज से कह रही थीं कि वो मुख्यमंत्री रहें या न रहें, लेकिन उनका ख्याल रखना न छोड़ें। ये बातें सुनते ही शिवराज ने उनके सिर पर हाथ रखा, उन्हें भरोसा दिया कि वो मामा और भाई की तरह काम करते रहेंगे। लोगों से मिलने के बाद जब शिवराज मंच पर आए तो एक बार फिर उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों से किया वादा पूरा करने का भरोसा दिया, लेकिन इसी दौरान उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया जो चर्चा में आ गया, क्योंकि शिवराज ने अपने संबोधन में मुख्यमंत्री नहीं बनने की वजहों पर बात की और हंसते हंसते ये बोल दिया कि राज तिलक होते होते वनवास हो गया। कई बार राज तिलक होते होते वनवास भी हो जाता है, लेकिन शिवराज ने जैसे ही ये बयान दिया वो खुद भी हंसे और मंच पर मौजूद लोग भी हंसने लगे और तर्क दिया कि हर फैसले के पीछे कोई बड़ी वजह होती है, किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए होता है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की जीत के बाद शिवराज लगातार चर्चा में रहे और इस बार बुधनी में दिया गया उनका वनवास वाला बयान चर्चा में आ गया। इधर शराब घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए। इसके बाद इस मुद्दे पर छिड़ा सियासी घमासान और तेज हो गया और आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने की साजिश केंद्र सरकार कर रही है, लेकिन बीजेपी ने केजरीवाल की मंशा पर सवाल उठाए। केजरीवाल जी हर बार समन से क्यों भाग रहे, क्या ऐसी बात है जो वो घबरा रहे हैं? शराब घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी 3 बार समन्स भेज चुकी है, लेकिन वो एक बार भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए। उधर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया का मंदिर में घुसने से इनकार करने का एक वीडियो वायरल होने के बाद बीजेपी ने उन्हें घेर लिया। ये घटना तब हुई जब सिद्धरमैया कर्नाटक के विजयपुर में मौजूद वाग्देवी मंदिर के एक कार्यक्रम में पहुंचे, लेकिन कार्यक्रम के बाद उन्होंने वाग्देवी मंदिर में घुसने से ही इनकार कर दिया। जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ उसमें मुख्यमंत्री सिद्धरमैया मंदिर के गेट पर खड़े नजर आए। वहां खड़े कई लोग उन्हें अंदर चलने के लिए कहते रहे, लेकिन वहां मौजूद तमाम लोगों के कहने के बाद भी उन्होंने मंदिर के अंदर कदम तक नहीं रखा। वीडियो में राज्य के मंत्री MP पाटिल ने भी उनसे मंदिर में चलने के लिए अपील की, उनके आगे हाथ तक जोड़े, लेकिन इसके बाद भी सिद्धरमैया अपनी जगह से हिले तक नहीं। वहां मौजूद जो लोग भी उन्हें अंदर चलने के लिए कहते वो हाथ जोड़कर उन्हें मना कर देते। काफी देर तक मंदिर प्रशासन और वहां मौजूद लोगों ने सिद्धरमैया को मनाने की कोशिश की, लेकिन वो मंदिर में नहीं जाने की अपनी जिद पर अड़े रहे। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद बीजेपी ने उन्हें घेर लिया। बीजेपी ने सिद्धरमैया को हिंदू संस्कृति का विरोधी तक बता दिया। उधर 22 जनवरी को छत्तीसगढ़ में शराब की दुकानें बंद रहेंगी। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय की सरकार ने 22 जनवरी को ड्राई डे घोषित कर दिया, यानी उस दिन राज्य में शराब की सभी दुकानें बंद रहेंगी। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है और उसी को देखते हुए राज्य सरकार ने ये फैसला लिया। महाराष्ट्र से बीजेपी विधायक राम कदम ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से अपील की कि वो राज्य में 22 जनवरी को शराब और मीट मछली की दुकानें बंद करने का आदेश जारी करें। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उन्होंने केंद्र सरकार से भी यही मांग की। रेल मंत्रालय ने देश भर से अयोध्या जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए रोजाना 15 अतिरिक्त ट्रेनें चलाने का ऐलान किया। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दिन और उसके बाद से रोजाना ये ट्रेनें चलेंगी। यात्रियों की बढ़ती डिमांड को देखते हुए रेलवे ने ये फैसला लिया।
उधर खुफिया सूत्रों के हवाले से खबर है कि आतंकी संगठन टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान से सुलह कराने जा रहे पाकिस्तान के पूर्व मंत्री असद महमूद को आतंकियों ने जान से मारने की धमकी दे दी। असद महमूद जमीयत उलेमा इस्लाम पार्टी के प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान के बेटे हैं और 3 दिन पहले उनके काफिले पर आतंकियों ने हमला भी किया था। हालांकि उस हमले में उनकी जान बच गई थी, लेकिन खुफिया सूत्रों का दावा है कि इस घटना के 3 दिन बाद एक बार फिर आतंकियों ने पाकिस्तान के पूर्व मंत्री असद महमूद को जान से मारने की धमकी दे दी। इस धमकी के बाद पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के डेरा इस्माइल खान जिले की पुलिस ने अलर्ट जारी कर दिया और असद महमूद को ये सलाह दी कि वो पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों को बताए बिना घर से बाहर निकलने की गलती ना करें, क्योंकि वो अपने पिता और जमीयत उलेमाए इस्लाम पार्टी के प्रमुख फजलुर रहमान की तरह आतंकियों की हिटलिस्ट में और उन पर किसी भी वक्त और कहीं पर भी हमला हो सकता है। खुफिया सूत्र बताते हैं कि आतंकी असद महमूद से इसलिए नाराज हैं क्योंकि वो आतंकी संगठन टीटीपी यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान समेत कई मुद्दों पर सुलह कराने के लिए अफगानिस्तान जाने वाले थे। दावा है कि इसी वजह से आतंकियों ने 3 दिन पहले उनके काफिले पर हमला भी बोला था। इसके बाद उनका अफगानिस्तान दौरा रद्द हो गया था। इधर बिहार के औरंगाबाद से हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया। वहां कुछ लड़कों ने बंदूक के साथ नए साल का जश्न मनाया। इस घटना से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया जिसके बाद पुलिस एक्शन में आ गई और वायरल हुए उस वीडियो में एक कमरे के अंदर 4 लड़के दिखाई दिए जिनमें 2 के पास बंदूक थी। बताया गया कि वो चारों लड़के उस कमरे में नए साल का जश्न मना रहे थे। जो वीडियो सामने आया उसमें चारों लड़के किसी गाने की धुन पर नाचते नजर आए और उस दौरान वो बंदूक अपने हाथों में लेकर नाटक भी कर रहे थे। बंद कमरे में ये ड्रामा काफी देर तक चलता रहा और बंदूक के साथ जश्न मनाने का वो वीडियो सामने आते ही पुलिस ने उन चारों लड़कों के खिलाफ FIR दर्ज कर दी। पुलिस के मुताबिक वीडियो में दिखे चारों लड़के औरंगाबाद जिले के ही रहने वाले हैं। वीडियो की जांच के बाद पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी भी की, लेकिन बताया गया कि वो चारों लड़के गिरफ्तारी के डर से फरार हो गए और पुलिस ने वीडियो में दिखी दोनों बंदूकों को भी जब्त कर लिया। साथ ही आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने का दावा किया। इस बीच मध्य प्रदेश के रतलाम से एक खौफनाक वीडियो सामने आया। वहां सुबह के वक्त प्लास्टिक का सामान बनाने वाली एक फैक्ट्री में अचानक आग लगी। इसके बाद तो कुछ मिनटों में ही आग की लपटों ने पूरी फैक्ट्री को कब्जे में ले लिया और वो फैक्ट्री किसी आग के गोले में बदल गई। आग भी ऐसी कि जिसने देखा उसकी रूह कांप उठी। कई किलोमीटर दूर से ही आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती दिखी। आशंका जताई गई कि उस फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। इसके बाद वो इतनी तेजी से फैली कि उसे रोकना मुश्किल हो गया और देखते ही देखते पूरी की पूरी फैक्ट्री उसकी जद में आ गई। प्लास्टिक का सामान बनाने वाली उस फैक्ट्री के मालिक के मुताबिक यह हादसा सुबह करीब 4 बजे हुआ और फैक्ट्री में आग लगने से उसमें रखा लाखों का कच्चा माल जलकर राख हो गया। नुकसान का तो अनुमान नहीं लगा सकते हैं साहब अभी, कह नहीं सकते हैं अभी तो। हादसा इतना भयानक था कि वो पूरी फैक्ट्री कुछ देर में ही राख में बदल गई। लपटों को देखकर अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं था कि फैक्ट्री की हालत क्या हुई होगी। इस बीच उस फैक्ट्री के पीछे बने एक 2 मंजिला मकान से भी लपटें उठने लगी और ये डर सताने लगा कि कहीं आसपास के मकान और फैक्ट्रियां भी इसकी चपेट में ना जाएं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर इस आग में कई लोगों की जान भी जा सकती थी। इसलिए फौरन रतलाम के दमकल विभाग में मौजूद पानी के सभी टैंकरों को वहां रवाना कर दिया गया और उन्हें जल्द से जल्द फैक्ट्री में लगी आग बुझाने के काम में झोंक दिया गया। इसके बाद तो मोटे मोटे पाइपों से पानी की बौछार शुरू हो गई, लेकिन तब तक फैक्ट्री में लगी आग इतनी विकराल हो चुकी थी कि पानी की तेज धार का भी उस पर कोई असर नहीं पड़ा। इसे देखकर दमकल विभाग के लोगों के हाथ पैर फूलने शुरू हो गए और फिर उन्होंने आसपास के शहरों से भी दमकल की गाड़ियां मंगवाई। लगातार कार्यरत था, लगभग 10-12-15 राउंड करीबन लादी ने ऑलरेडी लगा चुके हैं। हालांकि घंटों तक चली मशक्कत के बाद आखिरकार लपटों का तांडव बंद हुआ। इसके बाद दमकल विभाग के वो कर्मचारी आगे बढ़े और टिन शेड पर चढ़कर फैक्ट्री के अंदर पानी डालने लगे। फिर तो जितना पानी वहां उड़ेला गया उससे दुगना धुआं फैलता गया। एक पल को तो ऐसा लगा मानो वो लोग बादलों के बीच खड़े हों, क्योंकि वहां इतना धुआं हो चुका था कि आगे कुछ भी देख पाना नामुमकिन हो गया। लेकिन दमकल विभाग के लोगों ने हार नहीं मानी और अपना ऑपरेशन जारी रखा, जिसका असर ये हुआ कि घंटों से भभक रही उस फैक्ट्री की आग आखिरकार बुझा ली गई। गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी जान का नुकसान नहीं हुआ। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा को अदालत से कोई राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता रद्द करने के आदेश पर रोक लगाने वाली याचिका ठुकरा दी। पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के आरोपों की जांच के बाद पिछले साल दिसंबर में महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता रद्द कर दी गई थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने संसद घुसपैठ मामले में गिरफ्तार आरोपी नीलम की याचिका खारिज कर दी।
आरोपी ने अपनी गिरफ्तारी और पुलिस हिरासत में भेजे जाने के निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी थी। जांच एजेंसी एनआईए ने सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड मामले में राजस्थान और हरियाणा में आरोपियों के 31 ठिकानों पर छापे मारे। खबर है कि इस दौरान जांच एजेंसी ने आरोपियों के घरवालों से पूछताछ भी की। उधर जापान की राजधानी टोक्यो में हुए विमान हादसे का डरा देने वाला एक और वीडियो सामने आया। उस वीडियो में हादसे के बाद प्लेन के अंदर बैठे यात्रियों के बीच अफरा तफरी मची दिखाई दी। एक रोज पहले टोक्यो के हनेदा एयरपोर्ट के रनवे पर दो विमानों की जबरदस्त टक्कर हो गई थी। और अब उस हादसे का खौफ से भर देने वाला जो वीडियो सामने आया वो विमानों की टक्कर से ठीक बाद का बताया गया। इस वीडियो में प्लेन के अंदर बैठे यात्री डर और दहशत की वजह से चिल्लाते दिखे। इस वीडियो के एक हिस्से में विमान के अंदर धुआं भरा दिखाई दिया, उसकी वजह से वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। तस्वीरों में महिलाओं और बुजुर्गों के साथ साथ कई बच्चे भी मदद की गुहार लगाते दिखाई दिए। दूसरे विमान से टक्कर के बाद वो विमान रनवे पर तेजी से दौड़ता दिखाई दिया। इस दौरान उस विमान की खिड़की के बाहर का मंजर देखकर अंदर बैठे यात्री बुरी तरह सहम गए, क्योंकि खिड़की के बाहर विमान से आग की लपटें निकलती दिखाई दी। ये वीडियो जापान के होकाइडो से टोक्यो आने वाले उस विमान का है जिसमें 379 यात्री मौजूद थे, और उस यात्री विमान ने लैंडिंग के दौरान रनवे पर खड़े कोस्ट गार्ड के एक विमान को जोरदार टक्कर मार दी थी। हालांकि इस हादसे में यात्री विमान में मौजूद सभी लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया था, लेकिन कोस्ट गार्ड के विमान में मौजूद 6 में 5 लोगों की जान चली गई। इस खौफनाक हादसे के एक दिन बाद भी टोक्यो के हनेदा एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल नजर आया, क्योंकि दोनों विमानों की टक्कर के बाद बड़े पैमाने पर उड़ानें रद्द कर दी गईं, जिसकी वजह से हजारों यात्रियों की मुश्किलें बढ़ गईं। हनेदा एयरपोर्ट से आई तस्वीरों में सैकड़ों यात्री विमानों का इंतजार करते दिखे। घंटों तक इंतजार करने के बाद कई यात्री तो एयरपोर्ट परिसर में ही सोते दिखाई दिए। बताया गया कि कुछ यात्री तो हादसे के बाद से ही वहां अटके हुए हैं, क्योंकि उन्हें जिन उड़ानों में यात्रा करनी थी वो रद्द कर दी गई। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक हनेदा एयरपोर्ट पर आने जाने वाली 100 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी गई, जिसकी वजह से करीब 19,000 यात्रियों की मुसीबतें बढ़ गईं। इस बीच जापान के साकियुसु शहर में एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में भीषण आग लगने से वहां हड़कंप मच गया, क्योंकि तेजी से फैल रही वो आग की लपटें आसपास की इमारतों को भी अपनी जद में लेने पर आमादा दिखी, जिसकी वजह से उस इलाके के लोग खौफ में आ गए। क्योंकि उस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में लगी आग की जो तस्वीरें सामने आई उनमें खौफनाक लपटें शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की छत के कई फीट ऊपर तक उठती दिखी। आग के साथ निकल रहे काले गाढ़े धुएं ने पूरे इलाके को अपनी गिरफ्त में ले लिया। बेहद तेजी से फैल रही आग आसपास की इमारतों के लिए भी खतरा बन गई, क्योंकि वो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कई इमारतों के बीचों बीच मौजूद था। ये भीषण आग जापान के दक्षिणी हिस्से में मौजूद साकियुसु शहर के उस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में लगी, और आग पर काबू पाने के लिए दमकल कर्मियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। कई दमकल कर्मी तो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के आसपास की इमारतों की छतों पर चढ़कर पानी की बौछार करते दिखे, लेकिन मुसीबत तब और बढ़ गई जब आग तेजी से फैलने लगी। खतरे को देखते हुए आसपास की इमारतों को खाली करवा लिया गया, और कई घंटों की मशक्कत के बाद दमकल कर्मी उस आग को बुझाने में कामयाब हुए। उधर लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट से हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आईं। वहां तूफानी हवाओं की वजह से लैंडिंग के वक्त विमान बुरी तरह लड़खड़ाते दिखाई दिए। वहां इतनी तेज हवाएं चल रही थी कि उसकी वजह से भारी भरकम विमान खुद को संभाल नहीं पाया और लैंडिंग के दौरान लड़खड़ाने लगे। इसका जो वीडियो सामने आया उसमें एक विमान लैंडिंग के लिए एयरपोर्ट की तरफ बढ़ता नजर आया, लेकिन जैसे जैसे वो प्लेन रनवे के करीब पहुंचा वो अचानक हवा में लड़खड़ाने लगा, और रनवे पर उतरते ही उस विमान का संतुलन ही बिगड़ गया। हवा के प्रेशर की वजह से वो कभी इधर तो कभी उधर जाने लगा। इस दौरान उस प्लेन में बैठे लोगों की जान हलक में अटक गई। हालांकि कुछ देर तक लड़खड़ाने के बाद वो आखिरकार सही सलामत लैंड कर गया, लेकिन ये इकलौता प्लेन नहीं था जो इन ताकतवर हवाओं के सामने लड़खड़ाने लगा। उस दौरान लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर जितने भी विमानों ने लैंडिंग की वो इसी तरह लहराते हुए ही वहां उतरे। वहां से आई तस्वीरों में एक के बाद एक कई विमान इसी तरह लड़खड़ाते हुए लैंड होते नजर आए। इस बीच जर्मनी में आई भीषण बाढ़ ने वहां के कई हिस्सों को डुबो दिया। वहां से जो वीडियो सामने आए उनमें गांव के गांव पानी में डूबे नजर आए, और जहां तक निगाह गई सिर्फ और सिर्फ पानी दिखाई दिया। कुछ जगहों पर तो बाढ़ के पानी ने ऐसा कब्जा जमाया मानो वहां कभी जमीन थी ही नहीं। वहां की हालत देखकर ऐसा लगा जैसे समंदर के बीच में 2-3 घर बना दिए गए हों। वहां गांव के गांव पानी में समा गए। कई फीट लंबे पेड़ों का भी आधे से ज्यादा हिस्सा पानी में डूब गया। बाढ़ की वजह से वहां नदियों का पानी इतना बढ़ गया कि एक नदी पुल को निगलने पर आमादा दिखाई दी, और मुसीबत ये रही कि वहां का मौसम विभाग भी ये नहीं बता पा रहा कि उन गांवों पर कब तक यूं ही खतरा मंडराता रहेगा।
जर्मनी के कई इलाके मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ की चपेट में आ गए और इसके बाद लिलिनथाल शहर में तो ऐसी तबाही मची कि वो पूरा का पूरा शहर खाली कराना पड़ गया। मतलब उस शहर से हर एक शख्स को बाहर निकाल लिया गया, क्योंकि वहां की हालत देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि अगर वहां कोई होता तो उसकी जान जानी तय थी, क्योंकि पूरा का पूरा शहर टापू में बदल गया। इस बीच एक आदमी ट्रैक्टर से अपने घर की तरफ लौटने की कोशिश करता दिखा, लेकिन वहां इतना पानी था कि उसका हौसला बीच रास्ते में ही जवाब दे गया। जब वो लिलिनथाल की तरफ बढ़ रहा था तो ऐसा लगा मानो वो नदी पर ट्रैक्टर चला रहा हो, क्योंकि वहां सड़क का नामो निशान मिट चुका था। बताया गया कि उस शहर के पास मौजूद डैम भी पूरी तरह भर गया, जिसके बाद उससे पानी छोड़ना प्रशासन की मजबूरी हो गया। हालांकि खतरे की आशंका को देखते हुए कई इलाकों में पानी को रोकने के लिए बैरियर लगाए गए। वहां प्लास्टिक की बहुत बड़ी चादर बिछा दी गई ताकि पानी को शहर के अंदर घुसने से रोका जा सके। इसके अलावा उन इलाकों में लोगों के आने जाने पर भी रोक लगा दी गई। और जर्मनी की तरह फ्रांस के भी कई शहर भीषण बाढ़ की चपेट में आ गए। बताया गया कि लगातार बारिश की वजह से वहां की एक नदी उफान पर आ गई और उसकी वजह से वहां के ज्यादातर इलाके जलमग्न हो गए। वहां से जो वीडियो सामने आया उसमें वहां का हर हिस्सा, हर कोना पानी से सराबोर नजर आया। ड्रोन से ली गई तस्वीरों को देखकर ऐसा लगा मानो वहां कभी सड़कें थी ही नहीं, क्योंकि उन तस्वीरों में हर तरफ सड़क की जगह मटमैला पानी बहता दिखाई दिया। हालांकि वहां के कई हिस्सों में पानी निकालने का काम भी किया गया, लेकिन इसके बावजूद वहां के ज्यादातर हिस्से पानी में डूबे ही नजर आए और वहां के हर घर, हर सड़क और हर पार्क पर पानी का ही कब्जा दिखाई दिया। इसकी वजह से लोगों का घरों से निकलना तक मुश्किल हो गया। बताया गया कि बाढ़ की वजह से वहां इस कदर हालात बिगड़ गए कि मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया, क्योंकि मौसम विभाग के मुताबिक वहां आई बाढ़ की वजह उस नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया और उसका पानी आसपास के इलाकों के लिए खतरा बन गया, क्योंकि उस नदी के पानी ने वहां के रिहायशी इलाकों में भी धावा बोल दिया। इसका जो वीडियो सामने आया उसमें वहां की सड़कों पर मटमैला पानी बहता नजर आया। इस बीच एक महिला उस सड़क को पार करती दिखाई दी, लेकिन पानी का प्रेशर इतना तेज था कि वो लड़खड़ाने लगी। ऐसे में उसने वहां मौजूद एक रेलिंग को पकड़ा और उसके सहारे वो रास्ता पार किया। इस दौरान रेस्क्यू टीम घर घर जाकर लोगों तक मदद पहुंचाती भी नजर आई। बताया गया कि पिछले साल नवंबर महीने में भी वहां भीषण बाढ़ आई थी, उसके बाद वहां के निचले इलाकों में रहने वाले कई लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा और अब एक बार फिर वहां ऐसे ही हालात बनते जा रहे हैं, क्योंकि वहां के मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और बारिश होने का अनुमान जताया है। उधर एमपी के खंडवा में एक स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी से हड़कंप मच गया। मध्य प्रदेश के खंडवा में एक स्कूल में धमकी भरी चिट्ठी मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस के मुताबिक इस खत में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का जिक्र है और स्कूल समेत देश के कई राज्यों में बम धमाके की चेतावनी दी गई है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सेना ने जम्मू कश्मीर में 50 नई बुलेट प्रूफ गाड़ियां भेजी हैं। खबर है कि इन गाड़ियों से जंगलों में छिपे आतंकियों के खिलाफ अभियान चलाने में मदद मिलेगी। हाल ही में रजौरी में आतंकियों ने सेना की दो गाड़ियों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी थी। जयपुर में महिलाओं के साथ लूटपाट करने वाले अपराधियों को सबक सिखाने के लिए पुलिस ने पकड़े गए 3 बदमाशों का जुलूस निकाला। उन तीनों बदमाशों को लेकर पुलिस कई इलाकों से गुजरी और लोगों से सावधान रहने की अपील की। बड़ी खबर आई पाकिस्तान से। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में एक बार फिर तनाव बढ़ गया। इस बार दोनों देशों ने एक दूसरे पर आतंकी संगठनों को अमेरिकी हथियार मुहैया कराने के आरोप लगाए। दोनों के बीच ये बहस तब हुई जब तालिबान और पाकिस्तान के बीच एक हाई लेवल मीटिंग चल रही थी। ये मीटिंग आतंकी घटनाओं की वजह से दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव को खत्म करने के लिए की जा रही थी, लेकिन सूत्रों का दावा है कि इस मीटिंग में तनाव घटने के बजाय और बढ़ गया, क्योंकि पाकिस्तान इस दौरान अफगानिस्तान पर हावी होने की कोशिश करने लगा। उसने ये आरोप लगाया कि तालिबान ने ही TTP यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान को अमेरिकी हथियार मुहैया कराए। और सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान के इस आरोप पर तालिबान के बड़े नेताओं में एक मुल्ला शिरीन बुरी तरह भड़क गए, क्योंकि पाकिस्तान ने आरोप लगाया कि तालिबान ने ही TTP की बाजुएं मजबूत की और फिर TTP के लड़ाकों को चोरी छिपे अमेरिका के घातक हथियार भी दिए। मतलब पाकिस्तान ने सीधे सीधे अपने यहाँ हो रहे आतंकी हमलों के लिए तालिबान को जिम्मेदार बता दिया। लेकिन तालिबान ने इस बार चुप रहने की बजाय उल्टा पाकिस्तान पर ही धावा बोल दिया और ये आरोप लगा दिया कि अफगानिस्तान से गिरफ्तार किए गए आतंकियों के पास से भी कई अमेरिकी हथियार बरामद किए गए और उन आतंकियों के तार पाकिस्तान से जुड़े। मतलब अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दे दिया और ऐसा होते ही पाकिस्तान बैकफुट पर आ गया। इसके बाद तो उसने आरोपों की झड़ी लगा दी।
उसने ये दावा भी किया कि तालिबान ने टीटीपी को अमेरिका की आधुनिक बंदूकों के साथ ही नाइट विजन गॉगल भी दिए। और पाकिस्तान का आरोप है कि इन्हीं अमेरिकी हथियारों के दम पर टीटीपी के लड़ाकों ने पाकिस्तान में कई बार तबाही मचाई। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान पाकिस्तान ने तालिबान को घेरने के लिए इस मीटिंग में कई वीडियो भी दिखाए और उनके जरिए यह साबित करने की कोशिश की कि टीटीपी के हमलों में बड़ी तादाद में अमेरिकी हथियार इस्तेमाल किए गए। पाकिस्तान का आरोप है कि अमेरिका अफगानिस्तान से जाते वक्त जो हथियार छोड़ गया था, तालिबान ने वो टीटीपी को सौंप दिए और फिर टीटीपी ने उन हथियारों का इस्तेमाल पाकिस्तान को दहलाने के लिए किया। हालांकि तालिबान इस मामले में पहले भी कई बार सफाई दे चुके हैं और वो ये भी साफ कर चुके हैं कि टीटीपी और पाकिस्तान की अंदरूनी लड़ाई से उनका कोई वास्ता नहीं है। लेकिन माना जा रहा है कि अमेरिका ने इस मामले में तालिबान पर दबाव बनाया और इसी के बाद तालिबान ने मुल्ला शिरीन की अगुवाई वाला प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान भेजा। इस मीटिंग का एजेंडा दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव को कम करने का था, लेकिन पाकिस्तान ने अपने घर बुलाकर मेहमानों पर आरोप मढ़ने शुरू कर दिए, जिसका असर ये हुआ कि दोनों देशों के बीच तनाव घटने के बजाय तलवारें खींचने की नौबत आ गई। इधर कर्नाटक के हुबली में बीजेपी कार्यकर्ता की गिरफ्तारी के बाद बवाल हो गया। कर्नाटक सरकार ने बीजेपी के श्रीकांत पुजारी नाम के कार्यकर्ता को 1992 के हुबली दंगा मामले में गिरफ्तार किया, लेकिन बीजेपी ने आरोप लगाया कि राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने जानबूझकर उन्हें 31 साल बाद गिरफ्तार करवाया। और राम मंदिर के उद्घाटन से पहले कर्नाटक में अशांति फैलाने की कोशिश की, यह आरोप लगाते हुए बीजेपी ने हुबली में एक बड़ा विरोध मार्च निकाला जो देखते ही देखते इतना बढ़ गया कि बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस को आगे आना पड़ा। इसके बाद तो एक के बाद एक कई कार्यकर्ताओं को पुलिस की वैन में ठूंसा गया, लेकिन वो उस गाड़ी में चढ़ते हुए भी कर्नाटक सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कर्नाटक की सरकार अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के भव्य उद्घाटन से बुरी तरह चिढ़ी हुई है, इसलिए वहां के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने बीजेपी के उस कार्यकर्ता को जेल में डालने का फरमान सुनाया। ये विवाद इसलिए गरमाया क्योंकि कर्नाटक सरकार के आदेश पर हुबली में श्रीकांत पुजारी नाम के उस बीजेपी कार्यकर्ता को गिरफ्तार कर लिया गया और इसके बाद तो बीजेपी राज्य सरकार के खिलाफ पूरी ताकत से हमलावर हो गई। इस गिरफ्तारी के विरोध में हुबली में कई प्रदर्शन हुए और बीजेपी ने श्रीकांत पुजारी की गिरफ्तारी को सिद्धरमैया सरकार की साजिश करार दिया। इस दौरान बीजेपी ने ये मांग भी की कि सिद्धरमैया सरकार को अपना फैसला तुरंत वापस लेना चाहिए। हालांकि मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने दलील दी कि उन्होंने राज्य में पेंडिंग केस को निपटाने के आदेश दिए थे और इसी कड़ी में पुलिस ने श्रीकांत पुजारी को गिरफ्तार किया। दूसरी तरफ कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने भी इसे बीजेपी की घटिया राजनीति बताया। इस बीच असदुद्दीन ओवैसी के राम मंदिर पर दिए बयान के बाद छिड़ा हंगामा थमा भी नहीं था कि उन्होंने एक बार फिर इसे हवा दे दी। उन्होंने दावा किया कि वो किसी भी कीमत पर अयोध्या में 6 दिसंबर 1992 को हुई घटना को नहीं भूलेंगे और न ही देश के बाकी लोगों को इसे भूलने देंगे। 6 दिसंबर अगर नहीं होता तो जजमेंट क्या आता, गलती क्या है बोलने में, गोली मारेंगे क्या। इसके बाद बीजेपी नेता और धर्मगुरु रामविलास वेदांती ने उन्हें निशाने पर ले लिया। ओवैसी का जन्म नहीं हुआ था जब बाबर ने मंदिर को तोड़ा था। दो दिन पहले भी असदुद्दीन ओवैसी ने राम मंदिर पर विवादास्पद बयान दिया था। उधर समाजवादी पार्टी के विधायक जियाउर रहमान बर्क ने राम मंदिर निर्माण की तुलना पुलवामा हमले से कर दी। समाजवादी पार्टी के विधायक जियाउर रहमान बर्क ने राम मंदिर को पुलवामा हमले से जोड़ते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलवामा हमले की तरह इस बार राम मंदिर के बहाने असली मुद्दों से ध्यान भटकाया जा रहा है। ये अपना इस मंदिर को मुद्दे को ला करके लोगों की को मुद्दे से भटकाना चाहते हैं। बिहार की राजधानी पटना में हिंदू शिव भवानी सेना नाम के संगठन ने आरजेडी विधायक फतेह बहादुर सिंह के खिलाफ पोस्टर लगाए। इन पोस्टरों के जरिए फतेह बहादुर सिंह की जीभ काटने पर 10 लाख रुपए का इनाम देने का ऐलान किया गया। आरजेडी विधायक पर हिंदू देवी देवताओं पर विवादास्पद टिप्पणी करने के आरोप है। पंजाब के तरनतारन में बीएसएफ ने सीमा पार से ड्रोन के जरिए ड्रग्स भेजने की एक और कोशिश नाकाम कर दी। इस दौरान बीएसएफ ने ड्रोन के साथ आधा किलो हेरोइन बरामद। उधर ब्रेकिंग न्यूज आ रही है दिल्ली से। ईडी सूत्रों के मुताबिक दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को फिर से समन्स भेजे जा सकते हैं। इतना ही नहीं, सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हिरासत में लेकर भी पूछताछ कर सकती है। ईडी के कई बार समन्स दिए जाने के बाद भी अरविंद केजरीवाल जांच में शामिल होने के लिए नहीं पहुंचे हैं। आनंद तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद, क्या खबर आ रही है?
जी देखिए किशोर जी, ईडी अब दो विकल्प पर विचार कर रही है कि तीन बार सम्मन देने के बाद भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जब ईडी के सम्मन पर पेश नहीं हुए तो अब उन्हें एक बार फिर से सम्मन भेजा जा सकता है, और अगर वो सम्मन पर पेश नहीं होंगे तो ईडी उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ कर सकती है। तो दोनों विकल्प पर ईडी विचार कर रही है और कयास लगाए जा रहे हैं कि एक बार फिर से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी सम्मन करेगी। शुक्रिया आनंद आपका। इधर दिल्ली के नजदीक हरियाणा के गुरुग्राम में एक होटल के अंदर दिव्या पाहुजा नाम की मॉडल की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक 27 साल की दिव्या दिल्ली के रहने वाले एक कारोबारी के साथ नया साल मनाने गई थी और दोनों नया साल मनाने के बाद एक रोज पहले गुरुग्राम के एक होटल में रुके थे, और पुलिस सूत्रों का दावा है कि उसी होटल में दिव्या पाहुजा की हत्या कर दी गई। हत्या के बाद का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, उसमें दो लोग होटल के कमरे से दिव्या के शव को चादर में लपेट कर ले जाते नजर आए। पुलिस के मुताबिक गुरुग्राम के बलदेव नगर की रहने वाली दिव्या दिल्ली के रहने वाले कारोबारी अभिजीत सिंह के साथ नया साल मनाने गई थी। उसके बाद एक रोज पहले दोनों गुरुग्राम के सिटी पॉइंट होटल में रुके थे। आरोप है कि अभिजीत ने ही अपने साथियों के साथ मिलकर होटल में दिव्या की हत्या कर दी और फिर अपने दोस्तों के साथ शव लेकर वहां से फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक अभिजीत ने इस काम के लिए अपने दोस्तों को 10 लाख रुपए भी दिए। इस मामले में पुलिस ने अभिजीत को गिरफ्तार कर लिया और उससे पूछताछ कर ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि उसने दिव्या की हत्या क्यों की। सूत्र बताते हैं कि दिव्या संदीप गाडोली नाम के गैंगस्टर की दोस्त थी। 7 फरवरी 2016 को मुंबई में संदीप का एनकाउंटर कर दिया गया था। पुलिस सूत्रों का दावा है कि दिव्या ने ही उसकी मुखबिरी की थी। उधर बड़ी खबर आई इसराइल और हमास की जंग से जुड़ी। इसराइल ने हमास के डिप्टी कमांडर साले अल अरौरी को ड्रोन अटैक में मार गिराया। ड्रोन अटैक रात में लेबनान की राजधानी बेरूत में हुआ। इसके बाद हमास ने दावा किया कि इस हमले में उसके डिप्टी कमांडर साले अल अरौरी के अलावा दो और लोगों की मौत हो गई। हालांकि इसराइल ने इस बारे में कोई औपचारिक बयान नहीं दिया, लेकिन न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक लेबनान में छिपकर बैठा हमास का डिप्टी कमांडर साले अल अरौरी मारा गया। और यह खबर सुनकर सिर्फ हमास ही नहीं बल्कि हूथी लड़ाके लेबनान और ईरान का पारा भी चढ़ गया। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की खबर देने के बाद हमास ने खुद इसकी पुष्टि की। देखते ही देखते हमास के डिप्टी कमांडर साले अल अरौरी की मौत की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई और वेस्ट बैंक के रमल्ला में प्रदर्शन शुरू हो गए। हमास के डिप्टी कमांडर साले अल अरौरी की मौत का मातम मनाने के लिए भीड़ वेस्ट बैंक की सड़कों पर उतर आई। लोग तालियां बजाकर नारे लगाने लगे। सैकड़ों की संख्या में सड़कों पर उतरे ये लोग हमास समर्थक थे। उन्हें जैसे ही खबर मिली कि हमास का डिप्टी कमांडर साले अल अरौरी नहीं रहा, इन लोगों ने मातम मनाना शुरू कर दिया, या यूं कहें कि मातम के नाम पर हमास के समर्थन में प्रदर्शन किया। रमल्ला इलाके में रहने वाले इन लोगों ने फिलिस्तीन के हक की लड़ाई जारी रखने के लिए नारे लगाए और कई घंटों तक यूं ही नारेबाजी और प्रदर्शन करते रहे। क्योंकि साले अल अरौरी हमास का कोई छोटा कमांडर नहीं था, वो हमास का डिप्टी कमांडर था। साले अल अरौरी हमास की अल कसाम ब्रिगेड की नींव रखने वालों में एक था। वो अल कसाम ब्रिगेड ही थी जिसने 7 अक्टूबर को इसराइल पर सबसे बड़ा हमला किया था और लेबनान की राजधानी बेरूत में ड्रोन अटैक करके इसराइल ने उसी का बदला लिया। क्योंकि ड्रोन अटैक में बर्बाद हो चुकी इस इमारत में अल कसाम ब्रिगेड की नींव रखने वालों में एक साले अल अरौरी छिपा था। ये दावा न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने किया। इस इमारत की हालत देखकर अंदाजा लग गया कि ड्रोन अटैक कितना ताकतवर था। इसके जिस हिस्से से ड्रोन टकराया वहां तो कुछ बचा ही नहीं, केवल काला धुआं और खंडहरी नजर आया। आसपास खड़ी कई गाड़ियां भी जल गईं और केवल उनका ढांचा बचा। ये हमला लेबनान की राजधानी बेरूत के दक्षिणी हिस्से के दहिया इलाके में हुआ। दहिया में हमास का कार्यालय भी है और अटैक होते ही रातों रात ये खबर फैल गई कि दहिया पर इसराइल ने हमला किया और हमास के डिप्टी कमांडर साले अल अरौरी को खत्म कर दिया। हमास ने तो इसकी पुष्टि भी कर दी, लेकिन इसराइल की सेना ने इस पर कोई औपचारिक बयान नहीं दिया। क्योंकि उसकी सेना औपचारिक तौर पर केवल गाजा में जंग लड़ रही है और लेबनान की राजधानी बेरूत में ड्रोन स्ट्राइक की बात मानने का मतलब है कि जंग का एक और मोर्चा खुल जाए। माना जा रहा है कि इसराइल की सेना इसीलिए हमास के डिप्टी कमांडर को मारने की बात नहीं मान रही। लेकिन बेरूत से आई इन तस्वीरों को सबूत बताकर हमास ने इस खबर पर मोहर लगा दी। हमास ने माना कि काले धुएं से भरी इस बिल्डिंग में उसके डिप्टी कमांडर के अलावा दो और लोग थे।
ड्रोन अटैक में वो भी मारे गए, जिसके बाद इसराइल और लेबनान के बीच खुली जंग का रास्ता बन सकता है। क्योंकि ड्रोन अटैक के बाद लेबनान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री ने दावा किया कि इसराइल ने सालेह अल अरौरी की हत्या की है। उन्होंने इसे इसराइल का वॉर क्राइम बताया और इसे लेबनान को युद्ध में खींचने की कोशिश माना। सालेह अल अरौरी की हत्या पर ईरान और हूथी लड़ाके भी भड़के। सालेह अल अरौरी हमास की अल कसाम ब्रिगेड की नींव रखने वालों में एक था और अमेरिका ने उस पर पिछले साल $5 मिलियन यानी भारतीय रुपयों में करीब 40 करोड़ रुपए का इनाम रखा था। उधर बड़ी खबर आई चीन और श्रीलंका से जुड़ी। श्रीलंका ने चीन के जहाजों की एंट्री पर एक साल के लिए रोक लगा दी। बताया गया कि चीन का जहाज इसी महीने श्रीलंका के एक बंदरगाह पहुंचने वाला था, क्योंकि दावा है कि चीन लंबे वक्त से हिंद महासागर में नजरें गड़ा बैठा है और जासूसी के लिए वो लगातार श्रीलंका के अलग अलग बंदरगाहों पर अपने जहाजों को भेज रहा है। इसी कड़ी में वो एक और जहाज भेजने वाला था, लेकिन श्रीलंका ने उसके जहाजों की एंट्री पर प्रतिबंध लगा दिया और ऐसा करके श्रीलंका ने चीन को तगड़ा झटका दे दिया। इसी वजह से ये माना जा रहा है कि हिंद महासागर पर अपनी पकड़ मजबूत करने की चाहत रखने वाले चीन के मंसूबे पर पानी फिर गया, क्योंकि एक साल तक उसके जहाज श्रीलंका में रुक नहीं पाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हिंद महासागर में नई चाल चलने वाला चीन खुद अपने जाल में फंस गया। ऐसा इसलिए क्योंकि उसकी मदद करने वाले श्रीलंका ने ही अपना हाथ खींच लिया। असल में पिछले साल ही चीन ने अपने कई जहाजों को श्रीलंका भेजा और वहां की नौसेना ने इसका खुलकर स्वागत भी किया था, लेकिन अब श्रीलंका ने चीन के जहाजों की एंट्री पर एक साल के लिए रोक लगा दी, जो चीन के लिए एक तरह से कड़ी चेतावनी बताई जा रही है। दावा किया गया कि चीन अपने जहाजों की मदद से हिंद महासागर इलाके में जासूसी करने में जुटा था। इसके साथ ही ये भी दावा किया गया कि चीन ने जिन जहाजों को वहां भेजा उनके जरिए डेटा भी इकट्ठा किया गया। बताया गया कि जहाजों से मिला डेटा चीन की सेना को भेजा गया। माना जाता है कि खाड़ी देशों से होने वाले तेल और गैस के निर्यात का एक बहुत बड़ा हिस्सा हिंद महासागर से होकर गुजरता है। इतना ही नहीं, इस इलाके में अमेरिका, ब्रिटेन और भारत समेत कई देशों के सैन्य अड्डे भी हैं। यही वजह रही कि चीन वहां अपनी पैठ बनाना चाहता है। और श्रीलंका में चीन के जहाजों पर लगे प्रतिबंध को भारत की जीत बताया जा रहा है। माना जा रहा है कि भारत के विरोध जताने के बाद ही श्रीलंका ने चीन के जहाजों पर रोक लगाने का कदम उठाया और चीन के खिलाफ बड़ी चाल चल दी, क्योंकि कई महीनों पहले ही भारत ने चीन की जासूसी को लेकर संकेत दे दिए थे। इतना ही नहीं, उसने ये भी इशारा कर दिया था कि चीन शोध के नाम पर हिंद महासागर में जासूसी की कोशिश में जुटा है, जिसका मतलब ये हुआ कि भारत के कहने पर श्रीलंका ने चीन से किनारा कर लिया। क्योंकि श्रीलंका के तटों पर चीन के जहाजों की तैनाती की वजह से भारत कई बार अपनी चिंता जाहिर कर चुका है। माना जा रहा है कि भारत के दबाव के बाद ही श्रीलंका ने चीन को बड़ा झटका दिया। असल में श्रीलंका लंबे वक्त से चीन से मिले कर्ज के बोझ तले दबा और इसी का फायदा उठाकर चीन उसके बंदरगाहों पर अपने जहाजों को भेज रहा था। दावा किया गया कि चीन ने श्रीलंका के एक बंदरगाह को अपने कब्जे में ले लिया था। इसके साथ ही वो एक और जहाज को वहां भेजने की तैयारी में जुटा था, लेकिन इससे पहले ही श्रीलंका ने जहाजों की एंट्री पर प्रतिबंध लगा दिया। क्योंकि सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका ने भी कई बार श्रीलंका में चीन के जहाजों की एंट्री पर कड़ा विरोध जताया। इसलिए ये माना जा रहा है कि भारत और अमेरिका के दबाव में आकर श्रीलंका ने ये फैसला ले लिया, क्योंकि श्रीलंका में इसी साल चुनाव होने हैं और ऐसे में ये माना जा रहा है कि वहां की सरकार अपने पड़ोसी देश भारत को नाराज नहीं देखना चाहती, जबकि अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश को भी श्रीलंका साथ लेकर चलना चाहता है, क्योंकि लगातार मिल रही धमकियों की वजह से अमेरिका चीन पर भड़का हुआ है। इसलिए उसने चीन के जहाजों को शरण देने वाले देश श्रीलंका को भी इशारों में सख्त चेतावनी दे दी, ताकि दूसरे देशों की मदद लेकर अमेरिका को आंख दिखाने वाले चीन को घेरा जा सके। यानी श्रीलंका एक तरह से फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। भले ही वो चीन से मिले कर्ज में डूबा हुआ हो, लेकिन भारत और अमेरिका जैसे देशों से दुश्मनी मोल लेकर वो खुद का नुकसान नहीं करना चाहता। उधर काला सागर में यूक्रेन का रास्ता रोककर तुर्की ने नेटो की परेशानी बढ़ा दी। तुर्की ने ऐलान कर दिया कि वो यूक्रेन को ब्रिटेन से मिले युद्धपोतों को काला सागर में प्रवेश करने की इजाजत नहीं देगा। मतलब कि काला सागर में युद्धपोतों की एंट्री के लिए तुर्की की सीमा से होकर गुजरना होगा और अगर यूक्रेन ने ऐसा किया तो ये अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन माना जाएगा। यानी नेटो का सदस्य होते हुए भी तुर्की ने एक तरह से यूक्रेन को घेर लिया। साल 2022 में जब रूस और यूक्रेन के बीच जंग शुरू हुई थी, तब तुर्की ने 1936 के मॉन्ट्रो कन्वेंशन को लागू कर दिया था, जिसके तहत युद्ध में शामिल देशों के जहाजों के लिए काला सागर में प्रवेश का रास्ता बंद कर दिया गया। और तुर्की ने तो पहले ही ब्रिटेन को यह जानकारी दे दी थी कि जंग के दौरान वो अपनी सीमा से जहाजों को गुजरने नहीं देगा। इतना ही नहीं, तुर्की के राष्ट्रपति रजिप तैयब एर्दोआन तो
नेटो के दूसरे देशों को भी कई बार चेतावनी दे चुके हैं। उधर बड़ी खबर आई मध्य प्रदेश से। वहां ड्राइवर पर भड़कने वाले शाजापुर के कलेक्टर पर मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ी कार्रवाई की। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शाजापुर के कलेक्टर किशोर कन्याल को हटा दिया। शाजापुर के कलेक्टर ने जिले के ड्राइवरों की एक बैठक बुलाई थी और आरोप है कि उस बैठक में उन्होंने एक ड्राइवर से अभद्र भाषा में बात की। बाद में इस बातचीत का एक वीडियो भी वायरल हो गया और ये पूरा मामला मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव तक पहुंच गया। उन्होंने इस मामले पर ताबड़तोड़ एक्शन लिया और राज्य के शाजापुर जिले के कलेक्टर किशोर कन्याल को हटा दिया। शाजापुर के कलेक्टर किशोर कन्याल ने एक दिन पहले जिले के ड्राइवरों की एक बैठक बुलाई थी और उसी बैठक में शाजापुर के कलेक्टर किशोर कन्याल की एक ड्राइवर से बहस हो गई थी। इस बहस का वीडियो भी वायरल हो गया और वीडियो में शाजापुर के कलेक्टर एक ड्राइवर पर बुरी तरह भड़कते नजर आए। उनका पारा इतना चढ़ा कि उन्होंने उस ड्राइवर से उसकी औकात पूछ डाली। क्या करोगे तुम? क्या औकात है तुम्हारी? इस बैठक में कई ड्राइवर मौजूद थे। शाजापुर के कलेक्टर के बगल में पुलिस अधिकारी भी बैठे थे। एक दूसरा अधिकारी तो लगातार उनसे बात भी कर रहा था। इन सब के बीच किशोर कन्याल कड़े शब्दों में ड्राइवरों को समझा रहे थे, लेकिन तभी एक ड्राइवर ने बीच में ही उन्हें टोक दिया। फिर क्या था, बात का बतंगड़ बन गया। ड्राइवर के टोकते ही कलेक्टर किशोर कन्याल का पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया और बैठक में मौजूद सभी लोगों का ध्यान कलेक्टर को टोकने वाले ड्राइवर पर चला गया। इस बहस का वीडियो बनाने वाले ने भी कैमरा उस ड्राइवर की ओर घुमा दिया, क्योंकि जैसे ही कलेक्टर उस पर भड़के वो घबरा गया। कलेक्टर उसे उंगली दिखा दिखा कर डांट रहे थे और वो हाथ जोड़कर खड़ा था, लेकिन कलेक्टर का गुस्सा कम नहीं हुआ। ये देखकर वो इतना घबरा गया कि हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। बहस के बीच एक पुलिस वाला आगे आया और ड्राइवर को समझा बुझाकर अपनी सीट पर बिठाने लगा। एक तरफ पुलिस वाला ड्राइवर को बिठाने की कोशिश कर रहा था, दूसरी ओर किशोर कन्याल लगातार बोलते जा रहे थे। ड्राइवर भी डरते डरते ही सही, लेकिन उनको जवाब दे रहा था। ये सारी बहस इसलिए हुई क्योंकि शाजापुर के कलेक्टर ने गुस्से में आकर एक ड्राइवर से उसकी औकात पूछ ली और देखते ही देखते पूरी बैठक का माहौल ही खराब हो गया। हिट एंड रन कानून के खिलाफ मध्य प्रदेश समेत देश के कई हिस्सों के ट्रक ड्राइवरों ने प्रदर्शन किया था। इसी दौरान शाजापुर में भी ड्राइवरों ने प्रदर्शन किया था और प्रदर्शन को उग्र होने से रोकने के लिए शाजापुर कलेक्टर ने ये बैठक बुलाई थी, लेकिन उनके एक ड्राइवर से उसकी औकात पूछने पर पूरी बैठक का माहौल ही बिगड़ गया। क्या करोगे तुम? तुम्हारी कलेक्टर किशोर कन्याल की बातें सुनकर भड़के ड्राइवर को उसकी सीट पर बिठाने में पुलिस वाले को खूब मेहनत करनी पड़ी। वो बार बार औकात वाली बात पर आपत्ति जताता रहा। यही तो चीज है सर, यही लड़ाई हमारी कोई। इसी बीच इस सारी बहस का वहां मौजूद दूसरे लोगों ने वीडियो बना लिया, लेकिन न ड्राइवर चुप हो रहा था और न ही कलेक्टर किशोर कन्याल। पुलिस वाला भी बहस रोकते रोकते थक गया। इसके बाद आसपास मौजूद लोगों ने भी बोलना बंद कर दिया और एक वक्त ऐसा आया जब केवल कलेक्टर और ड्राइवर की बहस हो रही थी और बैठक में मौजूद बाकी लोग हाथ पर हाथ रखकर ये सारा तमाशा देख रहे थे। यही नहीं, कलेक्टर की बात सुनकर बहस करने वाले ड्राइवर ने वहां मौजूद दूसरे ड्राइवरों से समर्थन भी मांगा। वीडियो में दिखाया कि बहस के दौरान ड्राइवर के नजदीक खड़ा एक शख्स लगातार उसका वीडियो बनाता रहा, जबकि एक दूसरे ड्राइवर ने पुलिस वाले की मदद करते हुए उस ड्राइवर को बिठाने की कोशिश की। और थोड़ी देर बाद कलेक्टर के तेवर भी नरम पड़ गए। वो अपनी बात का मतलब समझाने लगे, लेकिन इस बीच वहां जो कुछ हुआ उसका पूरा वीडियो बन चुका था और ये वीडियो वायरल भी हो गया। वीडियो के आखिरी हिस्से में कलेक्टर के नर्म हुए तेवर भी दिखे। बहस करने वाला ड्राइवर भी आखिरकार अपनी सीट पर बैठी गया। औकात क्या औकात है? अपनी बात को डेवलप करने सकती है, ये तो मैं कह रहा हूं आपको। कलेक्टर ने भले ही बाद में बात संभालने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले बोली गई उनकी बातें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को पसंद नहीं आई। ड्राइवर से अभद्र भाषा में बात करने की वजह से शाजापुर जिले के कलेक्टर किशोर कन्याल को हटा दिया गया। ये भाषा कम से कम हमारी सरकार में बर्दाश्त नहीं। दोबारा जो अधिकारी आएगा वो इस प्रकार की भाषा का और व्यवहार का ध्यान रखेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस घटना पर एक्शन लेते हुए नरसिंहपुर जिले के कलेक्टर को शाजापुर का कलेक्टर बना दिया और किशोर कन्याल को उनकी भाषा की वजह से हटा दिया गया। उधर एमपी के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के बंगले का नाम बदल गया।
मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में अपने सरकारी बंगले का नाम बदलकर मामा घर रख लिया। उन्होंने ट्वीट कर खुद इस बात की जानकारी दी। ज्ञानवापी मामले में एएसआई ने वाराणसी जिला कोर्ट में याचिका दाखिल कर सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक न करने की अपील की। एएसआई ने अदालत से 4 हफ्ते का वक्त मांगा। भारतीय कुश्ती संघ को लेकर चल रहे विवाद के बीच कई युवा पहलवानों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। उन्होंने पहलवान साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया पर कुश्ती के खेल को बर्बाद करने का आरोप लगाते हुए उनका विरोध किया। न्याय करने के लिए पूरा फेडरेशन रद्द करवाओ, बोले फिर से चुनाव करवाओ। इस बीच उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। उस वीडियो में वहां बन रही 1-2 मंजिला इमारत अचानक ढहती दिखाई दी। गनीमत यह रही कि इस हादसे में किसी को कोई चोट नहीं पहुंची, लेकिन इसकी वजह से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया, क्योंकि चंद सेकंड के अंदर वो 2 मंजिला इमारत ताश के पत्तों की तरह भरभरा कर गिर गई। इमारत के गिरने की वजह से उस पूरे इलाके में धूल का गुबार छा गया। वहां कई लोग धूल से खुद को बचाने की कोशिश करते भी दिखे। थोड़ी देर बाद जब धूल हटी तो पूरी सड़क इमारत के मलबे से पटी नजर आई। हर तरफ सिर्फ ईंट और पत्थर ही पड़े दिखाई दिए। 2 मंजिला निर्माणाधीन इमारत गिरने की ये घटना लखनऊ के आर्य नगर इलाके की है। बताया गया कि दरार पड़ने की वजह से वो इमारत अचानक एक तरफ झुकने लगी। इसका पता चलते ही लोगों ने फौरन पुलिस को इसकी सूचना दी। इसके बाद पुलिस ने इमारत में काम करने वाले लोगों को वक्त रहते बाहर निकाल लिया और फिर थोड़ी ही देर बाद वो इमारत ढह गई। बिल्डिंग के गिरने से वहां अफरा तफरी मच गई। खबर है इस हादसे के बाद पुलिस ने इमारत बनाने वाले ठेकेदार को हिरासत में ले लिया। इधर दिल्ली के नजदीक हरियाणा के गुरुग्राम में एक तेंदुए के पहुंचने से लोग दहशत में आ गए। वहां के नरसिंहपुर इलाके में उस तेंदुए को टहलते देख लोग खौफ से भर गए, क्योंकि वो तेंदुआ वहां मौजूद एक घर में घुस गया। इसका जो वीडियो सामने आया उसमें वो तेंदुआ उस घर के एक हिस्से से तेजी से भागता हुआ आता दिखाई दिया। वो तेंदुआ उस घर के दूसरे हिस्से में मौजूद एक कमरे में घुसने के लिए तेजी से भागता हुआ गया, लेकिन उस कमरे का दरवाजा बंद था और इसीलिए जैसे ही उसने उस कमरे में घुसने के लिए छलांग मारी वो उस कमरे के दरवाजे से टकरा गया। इसे देखकर उस कमरे तो बड़ी खबर आई यूक्रेन की राजधानी कीव से। वहां रूस की फौज ने बहुत बड़ा हमला कर दिया। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक रूस ने कीव में यूक्रेन की सेना के ठिकानों को निशाना बनाकर ताबड़तोड़ मिसाइलें और कई रॉकेट दागे। बमबारी की वजह से कीव के कई इलाकों में पानी और बिजली की सप्लाई ठप हो गई। खबरों के मुताबिक जंग के 22 महीने बाद पुतिन ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर पूरी तरह कब्जे का प्लान बना लिया। उसी प्लान के तहत रूस की सेना ने यूक्रेन के 2 सबसे बड़े शहरों कीव और खारकीव पर जोरदार हमले शुरू कर दिए। एक रोज पहले पुतिन की फौज ने कीव पर हाइपरसोनिक मिसाइलों और रॉकेट की बारिश कर दी। और रूस ने उस हमले का एक वीडियो भी जारी किया जिसमें उसके जंगी हेलीकॉप्टर, जंग के मोर्चे पर तैनात टैंक और तोपें गोला बारूद बरसाते दिखे। रूस की फौज की तरफ से जारी 41 सेकंड के वीडियो में भारी बर्फबारी के बीच उसकी तोपें आग उगलती दिखी। जंग के मैदान में पड़ी बर्फ से झाड़ियां पूरी तरह ढकी दिखाई दी और उन्हीं झाड़ियों में मोर्चा संभाले पुतिन के फौजी यूक्रेन पर कहर बरपाते दिखे। यानी बर्फीले मौसम में रूस के फौजी यूक्रेन पर गोला बारूद दाग कर माहौल को गर्माते नजर आए। रूस की सेना की तरफ से जारी वीडियो में कीव में एक इमारत के ऊपर उसकी मिसाइल गिरती दिखाई दी। ऐसा लगा मानो उस इमारत पर कोई आग का गोला फट पड़ा। धमाके के बाद वहां चारों तरफ चिंगारी उठने लगी और सफेद धुआं फैल गया। और न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक कीव और खारकीव पर रूस के इस ताबड़तोड़ हमले में 5 लोगों की मौत हो गई जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। रॉयटर्स के मुताबिक कीव में यूक्रेन की सेना के ठिकानों को निशाना बनाकर रूस ने हमले किए थे। हालांकि यूक्रेन ने दावा किया कि रूस की सेना ने उनकी राजधानी के रिहायशी इलाकों में मिसाइलें गिरा दी जिससे वहां भयानक आग लग गई। रॉयटर्स के मुताबिक रूस के हमलों से कीव में कई जगह बिजली, पानी और गैस की सप्लाई बुरी तरह प्रभावित हुई। हालांकि यूक्रेन ने रूस की 70 मिसाइलों को इंटरसेप्ट करके तबाह करने का दावा किया है, जबकि रूस ने दावा किया कि 2 दिन पहले यूक्रेन की फौज ने उसके बेलग्रद शहर को निशाना बनाकर कई हमले की। जवाब में उसकी सेना ने कीव और खारकीव पर हमला बोल दिया। रूस का बेलग्रद शहर यूक्रेन से लगने वाली सीमा से लगा हुआ है।
यूक्रेन के बॉर्डर से इस शहर की दूरी महज 40 किलोमीटर ही है। इसी वजह से ये शहर जंग की शुरुआत से ही सबसे ज्यादा हमले झेल चुका है। रॉयटर्स के मुताबिक दो दिन पहले बेलग्रद में हुए हमले में 25 रूसी नागरिकों की मौत हो गई और खबरों के मुताबिक इसी वजह से राष्ट्रपति पुतिन का खून खौल गया। और उन्होंने करीब 2 साल से चल रही जंग में यूक्रेन की राजधानी कीव पर सबसे बड़ा हमला करवा दिया। खबरों के मुताबिक राष्ट्रपति पुतिन फरवरी से पहले कीव और खार्किव जैसे बड़े शहरों पर पूरी तरह कब्जा करना चाहते हैं। और माना जा रहा है कि यूक्रेन ने दो दिन पहले रूस के बेलग्रद शहर पर हमला करके बहुत बड़ी गलती कर दी। रूस के अखबार द मॉस्को टाइम्स के मुताबिक 24 फरवरी को यूक्रेन के साथ जंग के 2 साल पूरे हो रहे हैं और उससे पहले राष्ट्रपति पुतिन इस जंग को किसी निर्णायक स्थिति में पहुंचाना चाहते हैं। इसी साल रूस में राष्ट्रपति के चुनाव भी होने वाले हैं। ऐसे में पुतिन फरवरी से पहले जंग जीतकर चुनाव में भी अपनी स्थिति मजबूत करना चाहते हैं। और पश्चिमी मीडिया के मुताबिक 2 साल से जंग लड़ रही यूक्रेन की सेना भी थक चुकी है। पश्चिमी देशों से मिलने वाली सैन्य और आर्थिक मदद कम होने से भी उसकी हालत खराब है और माना जा रहा है कि पुतिन इस मौके को जीत में बदलना चाहते हैं। इधर CAA यानी नागरिकता संशोधन कानून जल्द लागू होने की खबरों के बीच हंगामा हो गया। विपक्ष ने इसे इसी साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का एक चुनावी हथकंडा बता दिया और CAA यानी नागरिकता संशोधन कानून पर ही सवाल उठा दिए। क्या धर्म एक्स्ट्रा टेरिटोरियली या टेरिटोरियली नागरिकता का आधार हो सकता है या नहीं? कांग्रेस के अलावा AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने तो नागरिकता संशोधन कानून को संविधान विरोधी बता दिया। CAA is anti-constitution. It is a law which has been made on the basis of religion. सूत्रों के मुताबिक लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार नागरिकता संशोधन कानून को लागू करने की तैयारी में है। असम में हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में 12 लोगों की जान चली गई। असम के गोलाघाट में एक बस और ट्रक की टक्कर में 12 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में कई लोग घायल हो गए जिनमें कुछ की हालत गंभीर बताई गई। ट्रक से टकराने के बाद उस बस के परखचे उड़ गए। मध्य प्रदेश के शाजापुर में आगरा मुंबई नेशनल हाईवे पर एक ट्रक में भीषण आग लग गई। गनीमत यह रही कि आग लगते ही उसका ड्राइवर नीचे उतर आया जिससे उसकी जान बच गई, लेकिन इस घटना में वो ट्रक जलकर राख हो गया। कोलकाता के एक इलाके में एक ही परिवार के 3 सदस्यों के शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने सड़ी गली अवस्था में उन शवों को बरामद किया और आशंका जताई कि उन तीनों ने खुदकुशी की है। इस बीच तुर्की ने इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के 30 से ज्यादा एजेंटों को गिरफ्तार करने का दावा किया। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक गिरफ्तार किए गए लोगों पर तुर्की में रहने वाले फिलिस्तीनियों को निशाना बनाने के आरोप लगे। और जैसे ही तुर्की को इसकी भनक लगी, उसने मोसाद के लिए काम करने के आरोप में उन लोगों को दबोच लिया। तुर्की ने मोसाद के संदिग्ध एजेंटों को पकड़ने का वीडियो भी जारी किया। उस वीडियो में तुर्की की खुफिया एजेंसी और पुलिस के जवान अलग अलग ठिकानों पर छापे मारते दिखाई दिए। इस ऑपरेशन को किसी एक्शन फिल्म की तरह अंजाम दिया गया। तुर्की के इस्तांबुल शहर में एक ठिकाने पर छापेमारी के लिए पुलिस की टीम करीब 1 दर्जन गाड़ियों के साथ जाती दिखी, क्योंकि उन्हें वहां एक मकान में मोसाद के एक संदिग्ध एजेंट के छिपे होने की सूचना मिली थी। रात के वक्त चलाए गए इस ऑपरेशन में तुर्की के पुलिस वालों ने उस मकान पर पहुंचते ही सबसे पहले उसे चारों तरफ से घेर लिया। इसके बाद कुछ पुलिस वाले मकान का दरवाजा तोड़ने लगे। दरवाजा टूटते ही हथियारों से लैस वो पुलिसकर्मी मकान में घुस गए। इसके बाद वो वहां मौजूद मोसाद के उस संदिग्ध एजेंट को जमीन पर पटक कर उसे हथकड़ी पहनाते दिखे। और न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक तुर्की की पुलिस ने 2 बार नहीं बल्कि इस तरह के 50 से ज्यादा ठिकानों पर छापे मारे। ये छापेमारी इस्तांबुल समेत तुर्की के 8 प्रांतों में की गई, क्योंकि तुर्की के एक अधिकारी ने चौंकाने वाला दावा किया कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद उनके देश में बड़े पैमाने पर अपने एजेंटों की भर्ती कर रही है और उन एजेंटों का मकसद तुर्की में रहने वाले फिलिस्तीनियों को टारगेट करना है। तुर्की के उस अधिकारी के मुताबिक मोसाद उन एजेंटों को इस तरह तैयार कर रही है कि वो फिलिस्तीनियों पर नजर रखने के साथ साथ आदेश होने पर उन पर हमला या उन्हें अगवा तक कर सके। दावा किया गया कि इजराइल पर हमास के हमलों के कुछ दिन बाद ही मोसाद ने तुर्की में अपने एजेंटों की भर्ती शुरू कर दी थी। रॉयटर्स के मुताबिक तुर्की की खुफिया एजेंसी अपने देश में काफी दिनों से ऐसे लोगों की निगरानी कर रही थी जिन पर मोसाद का एजेंट होने का शक हो, और जैसे ही उसे ऐसे लोगों का पता चला उसने ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू कर दी। तुर्की की खुफिया एजेंसी ने अलग अलग शहरों से मोसाद के 34 एजेंटों को गिरफ्तार करने का दावा किया जिनमें महिला एजेंट भी शामिल है। और गिरफ्तारी के बाद तुर्की की पुलिस मोसाद के उन संदिग्ध एजेंटों से पूछताछ करने में जुटी है।
क्योंकि तुर्की की खुफिया एजेंसी ने दावा किया कि उसके देश में मोसाद के कई और एजेंट एक्टिव हो सकते हैं। और पकड़े गए लोग तुर्की को मोसाद के उन एजेंटों तक पहुंचा सकते हैं जो अब भी उसकी गिरफ्त से बाहर हैं। गाजा पर इसराइल के हमलों के बाद वहां से भागे हमास के कई कमांडरों के तुर्की समेत अरब देशों में छिपे होने की आशंका है। दावा किया गया कि उन्हें खत्म करने के लिए ही इसराइल की खुफिया एजेंसी उन देशों में भी अपने एजेंट तैयार कर रही है, लेकिन दावा है कि तुर्की ने मोसाद से जुड़े एजेंटों को दबोच कर उसके इस प्लान पर पानी फेरने का काम कर दिया। गाजा पर इसराइल के हमलों के बाद से ही तुर्की और इसराइल के रिश्तों में खटास बढ़ती जा रही है, और ऐसा इसलिए क्योंकि तुर्की गाजा पर इसराइल के हमलों का खुलकर विरोध करता है। यही नहीं, तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान इसराइल के प्रधानमंत्री पर गाजा में नरसंहार करने का आरोप भी लगा चुके हैं। एर्दोगान के आक्रामक रुख पर भड़के इसराइल ने तुर्की से अपने राजदूत को भी वापस बुला लिया था। ऐसे में माना जा रहा है कि मोसाद से जुड़े एजेंटों को पकड़कर तुर्की ने इसराइल को बड़ा झटका दे दिया। उधर चीन से बढ़ती तनातनी के बीच फिलीपींस और अमेरिका की सेनाओं ने दक्षिण चीन सागर में ज्वाइंट पेट्रोलिंग शुरू कर दी। सऊदी अरब के न्यूज चैनल अल अरबिया के मुताबिक दक्षिण चीन सागर में ये गश्त उन इलाकों में शुरू की गई जिन पर चीन अपना दावा करता है। और माना जा रहा है कि अमेरिका और फिलीपींस के इस कदम से चीन बुरी तरह तिलमिला गया, क्योंकि चीन पूरे दक्षिण चीन सागर पर अपना हक जताता है। उसे ये कतई मंजूर नहीं कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन अमेरिका उसके पड़ोसी देशों के साथ समंदर में किसी तरह की कोई ड्रिल या फिर पेट्रोलिंग करे। लेकिन सऊदी अरब के मीडिया के मुताबिक चीन के विरोध के बाद भी अमेरिका ने फिलीपींस के साथ मिलकर दक्षिण चीन सागर में दो दिनों की गश्त शुरू कर दी। दावा किया गया कि इस पेट्रोलिंग का मकसद समंदर के उन विवादास्पद इलाकों पर नजर रखना है जिन पर चीन और फिलीपींस अपना दावा करते हैं। इस गश्त के लिए अमेरिका और फिलीपींस ने चार चार जहाज समंदर में उतारे हैं। इससे पहले पिछले साल नवंबर में भी चीन को चेतावनी देने के लिए फिलीपींस और अमेरिका की सेनाओं ने तीन दिन तक दक्षिण चीन सागर में मिलिट्री ड्रिल की थी। इधर भारत बहुत जल्द 4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन सकता है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने उम्मीद जताई लोकसभा चुनाव से पहले भारत 4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन सकता है। इसके साथ ही उन्होंने इस बात की भी उम्मीद जताई कि 2027 तक भारत जीडीपी के मामले में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। कमजोर ग्लोबल संकेतों की वजह से भारतीय शेयर बाजार में लगातार दूसरे दिन बिकवाली का दबाव दिखा। इस दौरान सबसे ज्यादा गिरावट मेटल, आईटी और कमोडिटी सेक्टर के शेयरों में देखने को मिली, जिससे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 535 अंक गिरकर 71,356 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 148 अंकों की गिरावट के साथ 21,517 के स्तर पर पहुंच गया। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया से आई चीते ने 3 शावकों को जन्म दिया है। राज्य के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इन शावकों के जन्म को प्रोजेक्ट चीता के लिए बड़ी उपलब्धि बताया। 3 नए नन्हे मुन्ने शावक आज जन्म हुआ है और ये हमारी एक तरह से विश्व की अद्वितीय घटना है। इस बीच हमास की अलकुद्स ब्रिगेड ने एक ऐसा वीडियो जारी किया जिसे देखकर इसराइल के लोग खौफ से भर गए, क्योंकि इस वीडियो में अलकुद्स ब्रिगेड का एक लड़ाका इसराइल के टैंक को निशाने पर लेता नजर आया, और वो भी रॉकेट लॉन्चर से। इस वीडियो में दिखा कि 2 लड़ाके एक के बाद एक खंडहर नुमा एक इमारत से निकले। वो दीवार में हुए गड्ढों से गुजरते हुए एक ऐसी जगह पहुंचे जहां से इसराइल का वो टैंक साफ दिखाई दे रहा था। इसके बाद उनमें एक लड़के ने कंधे पर लॉन्चर को रखा, निशाना लगाया और अल्लाहु अकबर का नारा लगाते हुए उसे दाग दिया। इसके बाद तो पलक झपकते ही वो टैंक तबाह हो गया। इस दौरान उसका साथी लगातार इस हमले का वीडियो बनाता रहा और इसके लिए वो लोग बाकायदा अपने साथ एक कैमरा लेकर गए थे। मतलब हमास की अलकुद्स ब्रिगेड ने न सिर्फ इसराइल के उस टैंक का शिकार किया बल्कि वीडियो जारी कर इसराइल को डराने की कोशिश भी की। इसी हमले के दूसरे एंगल से बनाए गए वीडियो में तो रॉकेट दागे जाने के बाद तबाही का मंजर साफ नजर आया। जिस खंडहर में छिपकर उन लोगों ने रॉकेट दागा उसकी दीवारें धमाके की वजह से कांप उठी। हमास ने चेतावनी दी कि अगर इसराइल ना रुका तो उस पर ऐसे और कई हमले होने तय हैं। उधर अमेरिका के ओरेगन राज्य से एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसकी हर तरफ चर्चा होने लगी। उस वीडियो में अमेरिका के कोस्ट गार्ड समुद्र में गिरे एक कुत्ते का रेस्क्यू करते दिखे और इसके लिए कोस्ट गार्ड को हेलीकॉप्टर का सहारा लेना पड़ा। वहां से आई तस्वीरों में समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठती नजर आईं, जिसके बीच वो बचाव कर्मी रस्सी के सहारे धीरे धीरे समुद्र में उतरता दिखाई दिया और फिर वहां उतरने के बाद वो उस कुत्ते के पास गया और उसे एक टोकरी में बैठाया। इसके बाद हेलीकॉप्टर के जरिए उस बचाव कर्मी और उस कुत्ते को ऊपर की तरफ खींच लिया गया
और दोनों सही सलामत उस समुद्र से बाहर आ गए। इसके बाद उस कुत्ते को उसके मालिकों तक ले जाया गया। बताया गया कि वो कुत्ता एक पहाड़ी से समुद्र में गिर गया था। इधर हैदराबाद से चौंका देने वाला एक वीडियो सामने आया। उस वीडियो में ऑनलाइन खाना डिलीवर करने वाली कंपनी जोमैटो का एक डिलीवरी बॉय घोड़े पर बैठकर खाना पहुंचाने के लिए जाता नजर आया, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि उस डिलीवरी बॉय ने खाने को ग्राहक तक पहुंचाने के लिए किसी मोटरसाइकिल या स्कूटर का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि वो काले रंग के घोड़े पर फूड डिलीवरी के लिए निकल गया। वीडियो में वो घोड़ा हैदराबाद की भीड़ भाड़ वाली एक सड़क पर गाड़ियों के बीच दौड़ता हुआ दिखाई दिया। इस दौरान उसकी पीठ पर बैठे जोमैटो के उस डिलीवरी बॉय के कंधे पर खाने का पार्सल लटका नजर आया। रास्ते से गुजर रहे एक शख्स ने घोड़े पर खाना डिलीवरी करने के चौंका देने वाले इस वाक्य का वीडियो बना लिया और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। ये वीडियो कुछ ही वक्त में तेजी से वायरल हो गया और इस वीडियो को पोस्ट करने वाले शख्स ने दावा किया कि हैदराबाद में ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल की वजह से पेट्रोल की किल्लत हो गई थी और इस दौरान मजबूरी में उस डिलीवरी बॉय को घोड़े पर बैठकर खाना पहुंचाना पड़ा। इस बीच महाराष्ट्र के यवतमाल से खौफनाक वीडियो सामने आया। वहां एक बेकाबू ट्रक एक ऑटो रिक्शा को जोरदार टक्कर मारता दिखाई दिया। इस दर्दनाक हादसे का वीडियो पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया और उस वीडियो को देखकर लोगों की सांसें थम गईं, क्योंकि जो वीडियो सामने आया उसने भीषण हादसे की तस्दीक कर दी। 46 सेकंड के उस वीडियो में 30 सेकंड तक सब कुछ नॉर्मल दिखा, लेकिन 30 सेकंड के बाद जो मंजर नजर आया उसका किसी को भी अंदाजा नहीं था। उस वीडियो में पहले वो ऑटो पेट्रोल पंप की तरफ जाने वाली सड़क पर टर्न लेता दिखा, लेकिन इस बीच उसके बाईं ओर से तेज रफ्तार में वो ट्रक आया और उसे जोरदार टक्कर मार दी। इस टक्कर से ट्रक के साथ वो ऑटो आगे की तरफ कुछ दूरी तक घिसटता चला गया और थोड़ी ही देर में वो पलट गया, जबकि वो ट्रक वहीं रुक गया। लेकिन इसके बाद तो वहाँ चीख पुकार मच गई, क्योंकि उस ऑटो में कई लोग सवार थे जो दर्दनाक हादसे का शिकार हो गए। इस हादसे में एक महिला समेत दो लोगों की मौत हो गई, जबकि उस ऑटो का ड्राइवर बुरी तरह घायल हो गया। इस मामले की जांच करते हुए पुलिस ने उस ट्रक के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। इधर राजस्थान के भिवाड़ी से रूह कपा देने वाले एक मामला सामने आया। आरोप है कि वहां तीन लोगों ने डंडे से पीट पीट कर एक लड़के की जान ले ली। इस वारदात का एक वीडियो भी सामने आया और उस वीडियो ने लोगों को खौफ से भर दिया। उसमें एक आदमी उस लड़के पर डंडों की बरसात करता नजर आया। ऐसा लगा मानो वो किसी की मौत का बदला ले रहा हो, क्योंकि सामने आए उस वीडियो में वो आदमी काफी देर तक उस लड़के को पीटता दिखा। इस बीच उसके साथ दो और लोग वहां मौजूद दिखाई दिए, जबकि वहां से दूसरा लड़का दौड़कर भागता दिखा, लेकिन इस दौरान वो आदमी रुका नहीं और उस लड़के के बेहोश होने तक उसे पीटता रहा। हालांकि थोड़ी देर बाद वो आदमी और उसके साथ मौजूद दोनों लोग वहां खड़ी कार में सवार होकर फरार हो गए। इस वारदात के बाद उस लड़के को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। पुलिस के मुताबिक मृतक और दूसरा लड़का दोनों वहां सड़क से गुजर रहे थे, तभी उस कार में सवार उन तीन लोगों से उनका विवाद हो गया। बताया गया कि आरोपी जिस कार से फरार हुए उसकी पहचान कर ली गई, लेकिन किसी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के अयोध्या की रहने वाली मीरा मांझी को चिट्ठी लिखकर नए साल की शुभकामनाएं दी और उनके परिवार को तोहफे भी भिजवाए। प्रधानमंत्री मोदी अपने अयोध्या दौरे में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की 10 करोड़वीं लाभार्थी मीरा मांझी के घर पहुंचे थे, जहां उन्होंने चाय भी पी थी। और अयोध्या दौरे के 4 दिन बाद प्रधानमंत्री ने मीरा मांझी को एक चिट्ठी के साथ तोहफे भिजवाए। इन तोहफों में टी सेट समेत कई दूसरी चीजें शामिल हैं। उन्होंने अपने खत में मीरा मांझी के घर पर चाय पीने का जिक्र भी किया। इसके साथ ही उन्होंने मीरा मांझी और उनके परिवार के लोगों के आत्मविश्वास की भी तारीफ की। उन्होंने अयोध्या दौरे में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की 10 करोड़वीं लाभार्थी के घर चाय पीने और बातचीत का वीडियो अपने ट्विटर अकाउंट पर भी शेयर किया। वो हिम्मत करके पहले अपने अंदर से निकलते हैं। बहुत कम लोग घर को फूंक कर घर से निकलते हैं। सौबात की एक बात कही जहीर ने, अलग होती है उन लोगों की बोली और बानी भी, हमेशा सबसे आगे जो अवसर से निकलते हैं। मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का, वक्त फिर होगा सौबात की बात।